किसी और में तो गुड गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। मॉर्निंग अब आवाज नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो सेक्शन ए एंड बी वी हैव डिस्कस्ड इन द यस्टरडे सेशन। 20 और 5, 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नाउ कम सी डी एंड ई। तो सी में कितने क्वेश्चन हैं? लीजा याद नहीं है सही, मुझे पानी डिस्ट्रीब्यूशन याद होना चाहिए। 5 कर 7। अच्छा, 5 out of 7 करने है या 7 out of 7 करने है? 5 out of 7 डी में है। आप उठ के आ गया हो। हाँ, और सक्षम तो भी उठ के आ गया। इधर दो बच्चे नहीं बैठेंगे कहती कही वाली लाइट चलाओ। ये छोटी मोटी चीजें अपने आप ही कर लिया करो। छोटे बच्चे नहीं होगी, टीचर आके बताए लाइट चला दो अलग। अरे तू इधर बैठ, इसके चर्चे से जस्ट आगे वाली बेंच पे। हाँ यहाँ बैठ जा, अलग अलग बैठ है। आप लोगों को साथ में नहीं बैठना है, लाइट जलानी है, छोटी मोटी बातें अपने आप ही कर लिया करो। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे हम? सेक्शन सी में तो 5 out of 7 अटेम्प्ट करने थे, यस। और सेक्शन डी में बताया नहीं आपने, डी में 5 out of 7 या 5 out of 5? 5 out of 7। एंड सेक्शन ई में 3 केस में ऑप्शंस भी हैं। मतलब केस केस स्टडीज के अंदर जाके तो ऑप्शन है, क्वेश्चंस में ऑप्शन ऑप्शन तो मिल ही गया ना। तो करीब कुल मिला के 7 7 7 कर लगभग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने है ना। देखते हैं कितने कर पाते हैं। इसको क्या हो गया? चलो चल गया। पूरा चिपचिपा हो। सेक्शन नंबर सी पे आए, शुरू करें। सो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन का टाइप पढ़ते पता चल जाना चाहिए इक्वेशंस का क्वेश्चन है। रीड आउट करते हैं। रेनू हैज कलेक्टेड 8 यूएस स्टैम्प्स, 12 इंटरनेशनल स्टैम्प्स। रेनू को 8 इंटरनेशनल यूएस स्टैम्प्स है रेनू के पास, और 12 उसके पास इंटरनेशनल स्टैम्प्स है, ठीक है। ये रेनू के पास रखी हुई चीजें हैं। शी वॉन्ट्स टू डिस्प्ले देम इन आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑफ यूएस एंड इंटरनेशनल स्टैम्प्स। वो उनको डिस्प्ले करना चाहती है, ठीक है। फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है, आगे बढ़ो। विथ नो स्टैम्प्स लेफ्ट ओवर, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टैम्प वो अपने पास रखेगी नहीं, सारे के सारे उसको डिस्ट्रीब्यूट या जहां पे भी डिस्प्ले करने में वो करेगी। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स रेनू कैन डिस्प्ले देम इन। तो वो कितने कितने के ग्रुप में इसको डिस्प्ले कर सकती है, सवाल है। तो लीनियर इक्वेशन का सवाल नहीं है, एचसीएफ एलसीएम का सवाल है। बोलो किस कौन से कैटेगरी का सवाल है? ग्रुप्स बनाने आपको 8 तो यूएस है और ये क्या है 12 है इंटरनेशनल। अब वो उनको आइडेंटिकल ग्रुप्स में डिस्प्ले करना चाहती है। आइडेंटिकल ग्रुप्स मतलब ग्रुप्स की संख्या। आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं? जिसमें ग्रुप्स के नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल हो। जैसे 6-6 का ग्रुप आइडेंटिकल माना जाएगा, 10-10 का ग्रुप आइडेंटिकल माना जाएगा, 10 और 7 का ग्रुप आइडेंटिकल नहीं माना। आइडेंटिकल ग्रुप क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है इक्वल हो, यही आइडेंटिकल होते हैं। और अंदर वाले मेंबर्स के नेचर भी इक्वल हो, जैसे बॉयज बॉयज का अलग, गर्ल्स गर्ल्स का, ये होता है आइडेंटिकल ग्रुप्स। नंबर ऑफ मेंबर्स भी इक्वल हो और अंदर का नेचर भी इक्वल हो। तो अब आपको 8 को और 12 को ऐसे डिवाइड करना है ताकि नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम रहे और प्लस या तो सारे यूएस के रहे या सारे इंटरनेशनल स्टैम्प्स रहे। ऐसा ना हो कि यूएस का अलग रहे, एक ही ग्रुप में कुछ यूएस के आ गए कुछ इससे आ गए, ऐसे नहीं होने चाहिए, फिर वो आइडेंटिकल नहीं रहेंगे ना। मान लो मैंने 8 के 8 यूएस के एक साथ डाल दिए तो वो तो आइडेंटिकल रहेंगे, लेकिन अगर मैंने 8 में से 6 तो यूएस डाल दिए और 2 ये डाल दिए, 6 + 2 तो आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, और फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने इसी टेस्ट पेपर में डिस्कस किया। क्या करते हैं हम इसमें? एचसीएफ, पर पहले एमसीक्यू में था, जल्दी जल्दी करेंगे, इस बार थोड़ा प्रेजेंटेटिव रहेगा, फर्क इतना है, ठीक है। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ
नंबर ऑफ यूएस स्टैम्प्स, यूएस स्टैम्प्स विथ रेवेन्यू कितने, 8। देन नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टैम्प्स विथ रेवेन्यू वो कितने हैं, कितने बेटा, 12। लेके आना, क्या कुछ लेके आ रहा, कुछ आने वाला है हम पर, 8 और 12। ठीक है, ये लॉक कर दिया क्या? हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखो, अब अपने को आइडेंटिकल ग्रुप बनाने, तो बस कुछ नहीं करना। नाउ क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स रेनू कैन डिस्प्ले इन। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स रेनू कैन डिस्प्ले इन। तो ज्यादा से ज्यादा कितने ग्रुप्स बनेंगे, ये सवाल है हमारा। तो बोलो एचसीएफ आएगा या एलसीएम आएगा, तो उसके बताओ। सपोज करो, चलो रफली डिस्कस करते हैं, 8 और 12 का अगर हम एचसीएफ निकालें क्या निकलता है बताओ। 4। तो 4-4 का ग्रुप बनेगा, तो 8 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 ग्रुप तो इसके बन जाएंगे। क्या माइक ऑफ है, सही है। 12 को 4-4 में, 4-4 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने हो जाएंगे, 3 ग्रुप्स इसके हो जाएंगे। तो टोटल ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 5। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसने कहा था कि ज्यादा ज्यादा कितने ग्रुप बनेंगे, 5 ग्रुप से ज्यादा नहीं बनेंगे। समझ गया है, क्लियर है, ठीक है। तो क्या कहूंगा मैं, लाइन लिखूंगा वहां से, नाउ नाउ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स रेनू कैन डिस्प्ले ऑल द स्टैम्प्स, डिस्प्ले ऑल द स्टैम्प्स विल बी गिवन बाय एचसीएफ ऑफ व्हाट, 8 and 12। एचसीएफ ऑफ 8 and 12, डन। चलो एचसीएफ ऑफ 8 and 12 क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला। एचसीएफ ऑफ 8 and 12 निकालने का भी पर, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो एचसीएफ ऑफ 8 and 12 भी हम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। कैसे बोलो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वी हैव यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव, बोलो 8 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 का क्यूब। 12 को कैसे डिस्प्लेस करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3। ओके, सो नाउ एचसीएफ ऑफ 8 and 12 इक्वल टू, तो कॉमन फैक्टर्स लेने, कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों में, 2, और उसकी पावर क्या लेनी है, लोवेस्ट, तो 2, 3 और 2 में से छोटी कौन सी है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो कैसे क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस द नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ईच ग्रुप कितने आ गए, 4 स्टैम्प्स इक्वल टू 4 स्टैम्प्स। लेकिन उसने कहा था ग्रुप्स कितने होंगे, ये तो हर एक ग्रुप के स्टैम्प्स हैं, ग्रुप्स कितने होंगे, तो या तो अलग अलग, उसने अलग अलग थोड़ा पूछा, इसके कितने होंगे और उसके कितने होंगे, सारे मिला के पूछे। देखो अलग अलग पूछता तो मैं 8 का अलग निकालता, 12 का अलग निकालता, लेकिन उसने सारे पूछे तो मैं अलग अलग निकाल लूं क्यों, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, 20 स्टैम्प्स हैं और 20 स्टैम्प्स हैं, एक एक ग्रुप में 4 स्टैम्प्स हैं, तो 20 को 4 से डिवाइड करा दो, अलग अलग डिवाइड करके क्यों जोड़े, 8 को 4 से डिवाइड करें, 12 को 4 से डिवाइड करें, फिर जोड़े इससे, 8 और 8+12 डायरेक्ट करके और पूरे को ही हम 4 से डिवाइड कर, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंड दोनों आंसर लिख देना आप, एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी इक्वल टू टोटल स्टैम्प्स, टोटल स्टैम्प्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ईच ग्रुप, टोटल स्टैम्प्स नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ईच ग्रुप, समझ आया, बोलो। सो टोटल स्टैम्प्स है हमारे पास 8+12 यानी कि 20, और नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ईच ग्रुप है 4, तो आंसर यहाँ पे स्पेस नहीं है, लिख देता हूँ 5। मैच करिए और पे... अब 3 नंबर में आपको तो पूरा प्रेजेंटेशन करना है।
अब आप लास्ट में ऐड नहीं करा है, आधा नंबर काटो क्योंकि टोटल ग्रुप पूछ रहा है, अलग अलग ही निकाल के छोड़ दिया ना। ऐड तो करना था भैया, ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कर दो डिलीट क्वेश्चन नंबर 27। पॉलीनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है, इफ 10 ऑफ द पॉलीनोमियल स्पेस एंड द वैल्यू ऑफ, इसको कैसे रीड करते हैं? लैम्डा। क्या है ये? लैम्डा नहीं, लैम्डा, LEMDA। अभी नेक्स्ट ईयर से तो बहुत ज्यादा पाला पड़ेगा इन ग्रीक लेटर से, ठीक है। एंड अदर जीरो भी पता लगाओ, तो बताओ किस टाइप का पॉलीनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्या? डिग्री टू वाला, तो डिग्री टू वाले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कितने? टू। तो जब दो होंगे तो एक तो वो दे रहा है 1/2, 10 ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज दिस। तो पहले लैम्डा पता करो, लैम्डा पता हो जाए तो पॉलीनोमियल पूरा ढंग से पता चल जाएगा, अभी पॉलीनोमियल आधा अधूरा पता है। क्योंकि पॉलीनोमियल में देखो अगर हम कंपेयर करें तो AX स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म, तो ए की वैल्यू तो पता है, बी की वैल्यू तो पता है, सी लैम्डा है जो अभी तक नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम दोनों जीरो अभी तक तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक बार लैम्डा पता चल जाएगा फिर तो निकाल सकते हैं। तो पहला काम है लैम्डा पता करो और दूसरा काम है फिर दूसरा जीरो पता करो। बोलो रुद्र कैसे करते हैं ये, कैसे करेंगे लैम्डा पता? पहला काम लैम्डा पता करना है। यस देखो, हियर द गिवन पॉलीनोमियल्स, गिवन पॉलीनोमियल्स, पहले तो पॉलीनोमियल लिख देता हूं, ठीक है ये हो गया पॉलीनोमियल, ठीक है कोई डाउट? अब इसका एक जीरो दे रखा है, नाउ इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा है उस लाइन को कॉपी पेस्ट मारे, नाउ इट इज गिवन दैट, कौन सा एक जीरो बताओ, कौन सा एक जीरो? 1/2। तो क्या लिखूंगा? एक्स इक्वल टू 1/2 इज अ जीरो, अ जीरो मतलब दोनों में से एक जीरो है, इज अ जीरो ऑफ, अच्छा इस पॉलीनोमियल को हम यहां पे पी ऑफ एक्स से डिनोट करा दें, तो फिर पी ऑफ एक्स लिख देंगे, और नहीं कराएंगे तो गिवन पॉलीनोमियल लिख देना, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1/2 इस पॉलीनोमियल का एक जीरो है, तो एक्स की वैल्यू 1/2 पुट अप कर, जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो उसको जीरो बना दे, एक्स इक्वल टू 1/2 उसका जीरो है, तो एक्स की वैल्यू 1/2 पुट अप करते वो जीरो बनना चाहिए। तो इस बात को मैथमेटिकली लिखेंगे, दैट इज पॉलीनोमियल ऑफ 1/2, यानी एक्स की वैल्यू 1/2 पुट अप कर दी, शुड बी इक्वल टू जीरो, अब 1/2 पुट अप करें हम, करो तो क्या है 2x2, तो 2x2 का मतलब 2 × x का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस 3 × x की वैल्यू अगेन 1/2, प्लस उसके बाद आ जाओ लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो सॉल्व करें तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 एंड 2 × 1/4 इज 1/2, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं बिकॉज वी आर इन क्लास 12, ओ सॉरी 10, 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 3/2 यानी 4/2, 4/2 यानी 2, 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, की वैल्यू 2 माइनस 2, तो ये तो आ गई लैम्डा की वैल्यू, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो एक जीरो अगर गिवन है तो ए बी सी में से कोई एक कोएफिशिएंट मिसिंग है, जैसे सी मिसिंग था तो उसको पता लगाया जा सकता है, एक मिसिंग हो तो, दो मिसिंग हो तो फिर दिक्कत है, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन भी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन से एक मिसिंग क्वांटिटी पता चलेगी। अब एक बार लैम्डा पता चल गया तो दूसरा जीरो पता कर सकते हैं हम, तो इतना करने के बाद नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे, सो द पॉलीनोमियल इज लाइक, सो द पॉलीनोमियल इज, पॉलीनोमियल पहले तक अधूरा था अब पूरा है, क्या है अब पूरा बताओ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x2 प्लस 3, क्या लिखा हुआ है एक्स, और आगे क्या लिखेंगे हम, प्लस लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे, क्या है लैम्डा की वैल्यू माइनस, ये है हमारे जीवन पॉलीनोमियल, हो गया। अब इसके जीरोस निकालने का तरीका वही, कौन सा, फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक ही तरीका है, तो बताओ प्रोडक्ट तो आना चाहिए 2 × -2 यानी कि -4, और सम आना चाहिए 3, तो प्रोडक्ट तो आना चाहिए आपका, सम तो आना चाहिए 3, और प्रोडक्ट आना चाहिए क्या, ए बी आना चाहिए आपका 2 × -2 यानी कि -4, बताओ ए और बी ऐसे दो नंबर जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो कि सम तो लाते हो 3 और प्रोडक्ट लाते हो -4, बताओ
वेरी गुड, फोर और माइनस वन, फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर, और फोर माइनस वन गिव्स मी थ्री, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट नहीं लिखी है लाइन, वन बाय फोर काटो, वी गेट बेटा क्वेश्चन का वेटेज देखना पड़ता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको करीब करीब सब लिखना है, याद रखना 3 मार्क्स क्रॉस कर गया ना, 3 से 4 मार्क्स हो गया है, अब आपको सब लिखना है, आप कुछ भी नहीं मिस कर सकते, ठीक है, आ जाइए। तो P of x equal, at least जितना हमने क्लास में लिखा था, हमने आइन साहब के सॉल्यूशन आपकी नोटबुक्स में लिखे हुए रहेंगे, आप अभी भी जब सॉल्व करते हो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप अपनी नोटबुक बिल्कुल ऐसे पैड पे फैला दिया करो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सॉल्व हो जाए जल्दी से उसका प्रेजेंटेशन देखा करो, बस रीड आउट कर लिया करो, अच्छा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसका प्रेजेंटेशन देख लेता हूँ, इसका प्रेजेंटेशन देख लेती हूँ फटाफट से देखे, रीड आउट करो, रीड आउट करते करते याद आ जाता है, अच्छा इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली लाइन लिखनी है, इसमें लिखनी, वो नोट्स आपने बड़ी मेहनत से साल भर बनाया है, उसको बैग में रखने के लिए थोड़ा बनाया, अब उनसे आउटपुट लो, कैसे लोगे, जब भी पढ़ने बैठो वो जो भी हम जैसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे पॉलीनोमियल का क्वेश्चन आया सॉल्व तो आप रफली कर लो, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पूरा प्रेजेंटेशन लिखो आप, सॉल्व तो आप रफली कर लो क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा, आपने रफली सॉल्व कर लिया आंसर आ गया, लेकिन अब प्रेजेंटेशन देखना है, जल्दी जल्दी रीड आउट कर लो आपके उस नोटबुक में से जिसमें आपने सॉल्यूशन लिखे, ठीक है समझ आया, क्लियर है, जिन्होंने नहीं लिखे उनका तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो चिल्ला चिल्ला के पूरा साल निकल गया कि कर लो, फिर उनके पास एक ऑप्शन और है, वीडियो देख लो भाई, वो उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने दिन पूरा साल ऐसे वेस्ट किया तो अब उनको टाइम मैनेज करना है। चलो पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, सो फोर एन माइनस वन प्लस फोर एक्स माइनस टू, करेक्ट स्ट्रेटेजी यूज करना बहुत जरूरी, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स टू एक्स, एक्स प्लस टू कॉमन, ओके माइनस एक्स माइनस टू में से क्या कॉमन आएगा माइनस वन, क्या आएगा एक्स प्लस टू, ठीक है डन, एक्स प्लस टू इक्वल टू टू एक्स माइनस, ठीक है तो ये हो गए दो फैक्टर्स, अब ये दो फैक्टर्स हमको जीरो निकालना है, तो निकालना है तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करना है, सो पुटिंग या नाउ पुटिंग p of x equal to zero to find its zero, putting p of x equal to zero to find its zeros, इसके zeros find करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है that is p of x क्या था बोलो p of x हाँ ना, अब क्या है अरे अब क्या है x plus two फैक्टराइज क्यों किया आपने, जब आपको ऊपर वाला ही लिखना है तो फिर ये मेहनत क्यों करी, x plus 2 into 2x minus, ये है आज की तारीख में p of x, इसको equal to zero किया, तो यहां से भैया या तो टू जीरो है या टू जीरो है तभी हम दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, सिंपल सी बात है, तो या तो x plus 2 भैया आप जीरो हो या फिर और 2x minus 1 भैया आप जीरो, तो एक जीरो निकालें तो x की वैल्यू 2 आई यहां से बोलो, और यहां से x की वैल्यू हाफ, हाफ तो मुझे पहले ही पता थी, हाफ तो मुझे पहले ही पता थी फॉर्मेलिटी पार्ट, तो उसने क्या कहा था फाइंड द अदर जीरो, तो x इक्वल टू हाफ तो उसने खुद ने पहले ही दे रखा था ना, तो जीरो बनना ही, तो दूसरा जीरो कौन सा निकला x इक्वल टू माइनस टू, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, hence x इक्वल टू माइनस टू इज द अदर जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, नाउ द सॉल्यूशन पार्ट इज ओवर, बोलो समझ आया, तो दो पार्ट्स में होगा ये सॉल्यूशन, पहला पार्ट क्या है लैम्डा निकालो, कितनी नंबर का है 3 नंबर में से हम देंगे 1 नंबर लैम्डा निकालने को और 2 नंबर फैक्टराइज करके जीरो निकालो, ठीक है उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, अगर लैम्डा निकाल के छोड़ दिया तो 1 नंबर मिलेगा और पूरा किया है तो फिर 3 नंबर मिलेंगे, और लैम्डा निकालने बिना ही सोल्व कर दिया तो 2 मत देना 1.5 देना क्योंकि फिर कहीं ना कहीं से हाथ मारा, क्योंकि जब तक लैम्डा तो सोल्व कैसे लोग कर लिया वो भी एक टैलेंट है, तो उसमें 2 मत देना 1.5 दे देना, ठीक है ओके कर दो डिलीट, लैम्डा का 1/2 वैल्यू पुट अप कर दी तो पूरा कबाड़ा हो गया, तो ठीक है चलो कर दो डिलीट।
ए शॉपकीपर गिव्स, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे सैंपल पेपर में मुझे दिखाई दिया है इस साल के, ओके और आपकी बुक का क्वेश्चन है, सो आई वुड सजेस्ट कि यू विल बी एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है वो लाइब्रेरी वाला, देखें ढंग से इसको अच्छे से, ओके इजी सा क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर बुक्स देता है रेंट पे, ठीक है देता होगा, शी टेक्स, शॉपकीपर नहीं, शॉपकीपर नहीं है, शी है, ठीक है ना, शी टेक्स ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट टू डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, तो दो दिन के लिए तो फिक्स चार्ज लेती है वो, और दो दिन के बाद अगर बुक रखी आपने उसकी तो हर दिन का एडिशनल चार्ज लेगी, तो दो तरीके के चार्जेस हैं उसके पास, एक है फिक्स चार्ज, एक है एडिशनल चार्ज पर डे, फिक्स चार्ज एडिशनल चार्ज पर डे, इन्हीं को हम एक्स और वाई माने क्योंकि यही दोनों पूछे, क्वेश्चन पढ़ो लास्ट में, फाइंड द फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा, ईच डे एक्स्ट्रा यानी कि ईच एक्स्ट्रा डे यानी वही एडिशनल चार्ज पर डे, तो स्टार्ट हम यहीं से कर देते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स and additional charge per day be one, okay, start letter fixed charges, linear equation वाले equation में सबसे जो बड़ा benefit है वो ये है कि जो वो पूछता है 99% cases में वही x और y, जो पूछे उसी को x और y मान ले, let the fixed charges be rupees x and दूसरा क्या पूछता है उसने, and the additional charges B रुपीस वाई पर डे, परफेक्ट, ये मान लिया अपन ने, अब पर लगा दिया तो वो मतलब या तो ऑब्लिक लगेगा या पर लगेगा पर डे, ठीक है डन। अब केसेस लो, केस वन केस टू, केस वन में आज क्या करो कि रखिए, केस वन में कोई लड़की का नाम भी है क्या, लतिका, लतिका ने ₹22 दिए एक बुक जो कि 6 दिन तक रखी, ओके सो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फॉर विच कैपिटल, फॉर विच द बुक वाज कैप्ट बाय लतिका, बाय जो भी नाम दिया लतिका, कितने दिन रखी है भाई इसने, 6, ठीक है। चार्जेस कितने दिए हमने, चार्जेस पेड, इस केस में चार्जेस कितने दिए लतिका ने, चार्जेस पेड बाय लतिका 6 दिन के ₹22 ₹20, ओके तो अभी क्वेश्चन बनाए, देखो भैया फिक्स चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे, किताब लेके दे दो तो भी लगेंगे, बोले 5 मिनट लाइब्रेरी से बाहर जाके और वापस दे जाओ तो भी लगेंगे, 2 दिन के तो लगेंगे, लग गए। अब कितने दिन रखिए आपने, 6 दिन, 6 दिन में से कितने दिन का फिक्स चार्ज था वो भी तो देखो, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट टू डे, अच्छा करेंगे एक बार करेंगे फॉर टू डेज, ये कितने दिन का है, 2 दिन का, तो 6 दिन में से 2 दिन के तो ₹100 लग गए, बचे कितने दिन, 4 दिन, हर एक दिन के वाई लगेंगे पर डे, तो वाई 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 4 बार यानी कि 4y x + 4y और टोटल चार्जेस कितने भाई, समझ में आया इक्वेशन बनाने का तरीका, दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया इक्वेशन बनाने का तरीका। चलो केस 2, अब केस 2 में क्या होगा, इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं, केस 2 जब हम करेंगे केस 2, तो नंबर ऑफ डेज फॉर विच बुक फर्स्ट कैप्ट है लतिका नहीं, अब कौन है, दूसरी लड़की है आनंद, ठीक है तो आनंद के द्वारा कितने दिन तक किताब रखी गई, 4 डेज, और पैसे कितने देता है वो 4 डेज के, बताओ वहां से छुपा हुआ है, 16 रुपए, तो 1616, तो इसकी इक्वेशन बनाए, तो अगेन ₹X तो लगेंगे ही लगेंगे 2 दिन के, ठीक है उदित, कितने रखे हैं इसने, 4 दिन, 4 दिन में से 2 दिन के तो X लग गए, बचे कितने दिन, 2 दिन, 2 दिन के कितने लगेंगे बचे हुए के, 2y, क्योंकि हर एक दिन का y है, एडिशनल तो हर एक दिन का है, फिक्स तो 2 दिन का है, एडिशनल हर एक दिन का है, तो एक्स 2y = 16, ओके सो क्लोज दिस अप आल्सो एंड नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, बन गए दो इक्वेशंस,
तो सबसे आसान तरीका एलिमिनेशन मेथड, जब कोएफिशिएंट सेम आ रहा है 1 1 तो सबसे आसान तरीका क्या है, एलिमिनेशन मेथड। अगर कोएफिशिएंट सेम ना आए तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो शायद कोर्स में है ही नहीं, ग्राफिकल मेथड भी चाहो तो आप इसमें यूज कर सकते हो। चलो सो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करें, फर्स्ट में से 2 हटा दें, नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, नहीं इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सेकंड को घटाना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में से डन, वी गेट तो इक्वेशन घटाना आता है एलएचएस पार्ट में से, एलएचएस पार्ट घटाना है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एलएचएस पार्ट में से एलएचएस पार्ट, तो x प्लस 4y में से x प्लस 2y घटाना है, तो x माइनस x कट जाएगा और 4y माइनस 2y क्या आ जाएगा 2y, और आरएचएस में से आरएचएस घटाना है तो 2 माइनस 16 क्या हो जाएगा 6, सो इट गिव्स मी 2y = 6, सो y गिव्स मी 6/2 दैट इज 3। देखो आप प्रेजेंटेशन पार्ट पे ध्यान दो, कुछ टाइम के बाद ही आप बोर्ड में बैठने वाले हो, कैसे अपने को इंडेंट भी सेट, इंडेंट समझते हो आपने कितना, यहाँ से लेफ्ट साइड से मार्जिन लेके इक्वेशन लीजिए, देखो ये इक्वेशन कोशिश करना बिल्कुल सेम, x के नीचे x है, y के नीचे y है, इक्वल टू के नीचे इक्वल है, सेम और ऊपर से इस डील्स ना है ऊपर देना अंदर, दूसरे में ऊपर अलाइन कर दो अलाइनमेंट से, ठीक है प्लस फिर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लाइक का टाइम लगाते हैं वो एक्सैक्ट का टाइम लगाए ऐसा नहीं, यहाँ लिखा उसके बाद अगला एम्प्लाई दिया उसके बाद वो बताया यहाँ देखो यहाँ देखने देखा है और दिखता है, तो ये प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के खिलाफ आ रहा बिल्कुल, उसको देखना नहीं पड़ेगा कि दूर से चेक हो रहा है और ऐसा नहीं कि एक तरह एक तरह इधर से चेक हम क्या है जितनी मैं से करवा रहा हूं कम मेहनत करवाओ चलता चलता सोता समझ गए वो बहुत जाता है ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरी खाली को मैं ढूंढता रहेगा सॉल्यूशन को कहीं तो मिल जाए कुछ। ओके सो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 क्या ठीक है, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 को हम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में पुट कर सकते हैं चाहे जाए किसी में भी, तो छोटी में पुट करते हैं ये अपना एक रीत रिवाज बनाई हुई है, तो 2 में पुट कर दूं मैं जो कंपैरेटिवली छोटी है, तो नाउ पुटिंग Now putting y equal to 2 in equation 2, we get. So जो बच्चे शुरुआती फेज में नहीं थे, absent थे, late join किया था, ये ग्रुप पुराने chapters का कुछ presentation part नहीं आता, तो उनके लिए ये एक मौका है, देख लें कैसे presentation करते हैं। Equation 2 क्या है बोलना जरा, x plus 2y बराबर 16, तो x plus 2, y की जगह तो 2 put up करना है ना, तो x plus 2y बराबर 16, देखो implies के नीचे implies का कर रहे हैं हम, तो x plus 2 into 2 is 4 equal to 16, implies x की value हो जाती है 16 minus, equal to का sign भी aligned है, implies का sign भी aligned है, check करो, है ना, equal to का sign भी aligned है, implies का sign, ठीक है, और इसको करने में कुछ extra time नहीं लगता, बस practice उसी हिसाब की हो तो आपके हाथ वैसे ही चलते हैं हमेशा, 16 minus 4 is, हाँ ठीक है 19-20 चलेगा, स्केल से नापने की बात नहीं है, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू 12 आ गई और y पहले ही आ गया, तो मैं एक बार पीछे करूं, ये लो 3 थी क्या, ओके तो वही तो थी, तो फिर बोला क्यों नहीं तू रुद्र, तू क्यों नहीं बोला, अच्छा 2 3 6 16 माइनस 6 यानी कि ये हो जाएगा 10, वहां पे भी 3 करो 10, ठीक है ना, सो x कोमा वाई यूनिक सॉल्यूशन आ गया, x कोमा वाई इक्वल टू x क्या आया बताओ 10 और y क्या आया बताओ 3, इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन हमको उसकी भाषा में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है, उसकी भाषा क्या थी, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड एडिशनल चार्जेस पर डे, तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लगा देंगे मैं हैंस, और वही क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा जो लेट में था, हमने क्या माना था वो का वही आंसर कॉपी पेस्ट करेंगे, क्या माना था शुरू में हमने, लेट द फिक्स चार्जेस फॉर 2 डेज, तो हम यही लिखेंगे हैंस, इसी के आगे हैंस द फिक्स चार्जेस फॉर 2 डेज, ठीक है ना, फिर बी नहीं लगाएंगे, अब की बार इक्वल टू लगाएंगे, पहले तो माना था अब आंसर आ रहा है,
तो इक्वल टू रुपीज एक्स और उसे क्या आगे लिखेंगे, इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, क्या 10, ठीक है। एंड द एडिशनल चार्जेस, बी की जगह इक्वल टू का साइन, इक्वल टू रुपीज वाई पर डे, तो हमने क्या निकाला वाई की वैल्यू 3 पर डे, 3 पर डे। दिस विल बी द क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्रॉस वेरीफाई करो, अगर 10 रुपए तो फिक्स हैं लाइब्रेरी के, 10 तो फिक्स हैं और 3 रुपए पर डे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो अगर आपने पहले कितने दिन रखी थी किताब, 6 दिन, तो 10 तो लग गए बचे 4 दिन, 4 × 12 तो 22 रुपए देने पड़ेंगे, वो भी यही कह रहा था। दूसरे केस में आपने कितने दिन रखी, 4 दिन, तो 10 तो लग गए 2 दिन के बचे 2 दिन, 2 × 3 = 6 और देने पड़ेंगे 16, यही वो कह रहा था, ठीक है। तो क्रॉस वेरीफाई, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि आंसर हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है, किसी आंसर की हमको जरूरत नहीं। कर दूं डिलीट, ठीक है, चलो। सो इंपॉर्टेंट एंड इजी स्कोरिंग कह सकते हैं इसको। हाँ जी, इसका सेकेंड ऑप्शन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो इसमें इक्वेशन बड़ी आसानी समझ जाएगी, लेकिन मैंने आपको कहा था इसको करो तो ग्राफिकल मेथड से करो, अन्यथा मत करो। हाँ, बिना ग्राफ के क्यों, जब इंस्ट्रक्शंस थे तो उसी से करना है। ये इसमें एक ऐसे मान के चलो मैं प्रिंट नहीं कर पाया, ध्यान से निकल गई, लेकिन मैंने क्लास में के इंस्ट्रक्ट कर दिया था, तो कर दिया था तो वो प्रिंटेड ही मानो, ठीक है ना, आप साफ साफ गिवन है तो आप क्यों नहीं करोगे उस मेथड से। चलो आओ, फाइंड द 4 angles ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच एंगल ए इक्वल टू दिस, एंगल बी इक्वल टू दिस, एंगल सी इक्वल टू दिस एंड एंगल डी इक्वल टू दिस। तो 4 angles आपको पता करने हैं, दिस इज द सवाल, आ जाओ। सो हेयर द 4 angles, आपको कोई फिगर बनाने की ऐसा कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बस एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उसको हम फिगर बना के शो करें या विदाउट फिगर बना के शो करें उसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। हियर द 4 angles ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी। अब देखो, पहले तो अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप साइक्लिक वर्ड ना भी लिखोगे तो चलेगा, फिर जब साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे नीचे लिख देना, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पहले तो हम एंगल्स की नॉलेज दे रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी के 4 angles ये हैं, ए बी लिख रहा है, ए बी सी डी आर। चलो जी, तो जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, एंगल ए बराबर 2x-1 degrees लगाना अनिवार्य है, एंगल बी बोलना क्या y प्लस 5 degrees लगाना अनिवार्य, एंगल सी 2y + 15 degrees, एंगल डी बराबर, ठीक है डन, ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया अपन ने, अब इंपॉर्टेंट गिवन इन्फॉर्मेशन अब लिख रहे हैं कि द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, व्हाट इट इज गिवन, द क्वाड्रिलेटरल ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है जो हमको इक्वेशन बना के देगी। द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी गिवन है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगानी है। ऊपर तक तो ये था भी कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 angles होते हैं, 4 angles x और y में आ गए, x और y में आ गए, दैट मींस लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, लीनियर इक्वेशंस इनटू मेरी। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताओ लीजा, वो तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का होता है, वो केवल साइक्लिक का होता है क्या, वो तो हर क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात है, बोलो मनन, अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, बाकी और किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स का सम ये होगा या वो होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, इसमें गारंटी है कि सम 180 आएगा। तो अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, ए और सी, या आप एक क्वाड्रिलेटर बनाओगे ऐसे फ्लो में ए बी सी डी, तो अपोजिट कौन से होंगे, ए और सी, और ये कौन से होंगे, बी और डी, तो ए और सी का सम 180 आएगा और बी और डी का सम 180 आएगा, वहां से बनेगी इक्वेशन, वहां से बनेगी, ठीक है। तो याद रखना है बेटा, साइक्लिक का मतलब होता है कि अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, दैट मींस इसका सम 180 होगा, ठीक है। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, बोलो, एंड दूसरी इक्वेशन भी बना दो लगे, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो गए। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लगते ही ये इक्वेशंस बन गई, यहां से एंगल ए की वैल्यू, सी की, बी की, डी की, चारों की लिखो, ए की क्या है
2x-1 + c की क्या है 2y+15 = 180 एंड लगे यार दूसरी बना दो b की वैल्यू क्या है y+5 प्लस उसके बाद बोलो 4x-7 = 180 ठीक है। देखो हमारा होता है एडजस्ट करना है तो देखो क्या देखा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 अब ए की ये वैल्यू डाली सी की ये वैल्यू डाली फिर बी इक्वल टू का साइन ज्यादा दूर नहीं है वो हमारे हाथ हम कैसे की बात में लिखते लिखते ऑटोमेटिक छोटे अक्षर लिखने पड़ते हैं और कई बार लिखते लिखते थोड़े चौड़ा चौड़ा लिखने पड़ते हैं इधर भी देखो डी की वैल्यू डाली लेकिन इतना ज्यादा दूर इक्वल टू का साइन नहीं ठीक है ना अलाइनमेंट सेट करना हमारे हाथ में प्रेजेंटेशन सेट करना ठीक है आ जाओ 2x as it is, 2y as it is, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -1 + 15 यानी कि +14 इक्वल टू व्हाट 180 अब इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं चलो पहले 2x + 2y + 14 को उधर भेज दूं क्या तो 180-14 gives me 2x + 2y = कितना 180-14 = 166 2 से काट दूं क्या सबको तो फाइनल इक्वेशन इज x + y = 166 का क्या बना 83 सो दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 अब चलो उधर उससे बात करते हैं इसका क्या हाल देखो आ जाओ तो पहले हमेशा x की टर्म लिखी जाती है पहले क्या लिखी जाती है x की टर्म तो x की टर्म क्या है 4x फिर y की टर्म y और कांस्टेंट टर्म क्या है 5-7 कितना होता है 5-7 - 2 इक्वल टू क्या बना 180 तो 4x + y 180 में से 180 में 2 जोड़ दा जरा 182 सो दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 2 ये दो स्टेप्स में सॉल्व हो गई इक्वेशन 2 ओके दो इक्वेशंस बन गई अब हमको ग्राफिकल मेथड में इसको सॉल्व करना है एक बार मैं दोनों इक्वेशन साथ में लिख देता हूं नाउ वी हैव याद कर लो भाई ये डिलीट होने वाला है x + y 83 4x + y 182 याद हो गया कर दो डिलीट हैंग हो गया कोल्ड ड्रिंक पिला दी इसने सक्षम चलो ग्राफ किया था किसी ने है अभी आपके पास शीट किसी की ग्राफ की नो बस एक के पास की नहीं है आपके पास है किसने किया है अच्छा कृतिका को कृतिका की मिली है क्या अच्छा कल भी आपको उसी की मिली थी तो ये ऐसे कैसे हो रहा है मैंने ऐसे तो ना बोला था कि कल वाली देनी है ये प्री प्लांट चीजें क्यों हो रही है यहाँ पे आप शक के दायरे में आ रहे हो और आप भी आ रहे हो आपने ली क्यों आप तो आए थे कल आपको लेनी नहीं चाहिए कि कल भी मुझे ये मिली थी अब तो हो गया सो हो गया अभी चेंज मत करो हाँ जी तो आ जाइए उदित तो क्या आप तुम सभी चेंज होने वाले हो नई क्लास 10th आने वाली है इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 1 to 1.5 months ओके आ जाओ हाँ पहली क्वेश्चन क्या थी सो वी हैव बोलो पहली क्वेश्चन x + y 83 इक्वेशन नंबर वन एंड अच्छा x + y ऐसे लिखो ना सुनो अब अपने को सॉल्यूशंस भी तो निकालने ग्राफिकल सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड में तो सॉल्यूशन ही होते हैं तो इस तरीके से लिखो इधर तो लिख दूंगा मैं x + y = 83 degrees लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन में पुटअप करने के बाद आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती ठीक है दिस इज इक्वेशन वन एंड दूसरी क्या बनी 4x + y = 182 इक्वेशन 2 चलो जी तो अब सॉल्यूशंस निकालें अब क्योंकि ए की जने के पास है तो उसी से पूछ लेते हैं क्या सॉल्यूशन है तो उसका चेक भी हो जाएगा लगे हाथ और किसी के पास है क्या ग्राफ शीट नो ठीक है वो डायरेक्ट वाले को तो भी बात करेंगे ग्राफ शीट आपके पास ही है
तो बताओ उसने पहले इस वाली इक्वेशन का पहले तीन सॉल्यूशंस निकाले हैं, बोलो पहला सॉल्यूशन क्या निकाला है उसने। तो लगे हाथ हमारा सॉल्यूशन भी हो गया, उसका चेक भी हो गया। लेट एक्स बी टू, लेट एक्स बी टू, तो एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो आपको रखते ही पता चल गया होगा कि ये क्या लिखा है इसने, है ना। एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बताना जरा। 81, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 81, तो वाई की वैल्यू 83, तो वाई की वैल्यू 83 माइनस 2 यानी कि 81। सो एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू, एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू 2 रखने से वाई की वैल्यू 81 आई। पहला सॉल्यूशन क्लियर है, बट 2, 81 ग्राफ में पुट करना थोड़ा सा कंजेस्टेड है। अब उसने स्केल क्या लिया है फिर ग्राफ में, 10-10 का स्केल लिया है, तो 10-10 के स्केल में 81 तो पुट होगा 8.1 पे और 2 पुट होगा 0.2 पे, होगा ना 0.2, 8.1। ये कहां से आ गया अभी, ठीक है। हाँ जी समझ गए, अब करना क्या चाहिए था, अब कर दिया तो अपन चेक करना आपकी सही है कि गलत है। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है, जब आप स्केल 10-10 का ले रहे हो तो एक्स और वाई भी 10-10 में लो ना, 2 क्यों ले रहे हो, 20 लो ना, समझे। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आप स्केल 10-10 का, आप खुद डिसाइड करो स्केल हमने 10-10 का लिया है तो आप एक्स और वाई 2, 3, 4 ऐसे छोटे मुन्ने से क्यों ले रहे हो, बीच में फंस रहे हो खुद, 0.2 मार्क करना पड़ेगा उसके अंदर। आप 20 लो सीधे सीधे, तो 1, 2, 2 पे 20 मार्क हो जाएगा 10-10 के स्केल, ठीक है। अभी आप उसने जो कर लिया उसके हिसाब से उसका चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी नेक्स्ट बताओ, आप जल्दी जल्दी बताओ। लेट एक्स बी 4, ये लो, अब 40 लेना चाहिए था यहाँ पे, है ना, तो 4 आ जाएगा, तो आप समझदार हो, बता दो मुझे एक्स कोमा वाई क्या आएगा, बोलो 4 माइनस कर दो उसमें से, तो 4, 79, ठीक है। तीसरा बोलो, लेट एक्स बी 6, तो सॉल्यूशंस होने क्या चाहिए थे कायदे से, 20, 40, 60 ये होने चाहिए थे, लेकिन 2, 4, 6 लिए गए हैं। तो कृतिका अगर आप ये बात सुन रहे हो, कृतिका जैन, सो डू टेक केयर ऑफ दिस, इस तरीके से आप फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते चेक करने वाले हो, 10-10 के स्केल में लेके 2, 4, 6 गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। 20, 40, 60 स्केल बढ़ा तो वैल्यूज भी बढ़ी, ओके। सो लेट एक्स बी 6, सो क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई 6, 83 में 6 गया तो 77। टेबल बना लें इसकी, लेट्स ड्रॉ द टेबल, एक्स वाई, एक्स क्या लिया आपने 2, 4, 6, वाई क्या आया, वाई क्या आया 81, 79, 77, 81, 79, 77, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर बताओ पहली वैल्यू क्या ली है एक्स की, चल अच्छा यहाँ तो एटलीस्ट 10 ली है, लेट एक्स भी 10, तो एक से सबक आ गया होगा शायद, एक लाइन बना के देखी होगी उसमें, पता चल गया होगा कितनी दिक्कत आई, तो फिर अगली बार थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली। लेट एक्स भी 10, दैट इज, तो 4 × x करेंगे, तो 4 × 10 करेंगे, ठीक है, 4 × 10 करेंगे प्लस y करेंगे इक्वल टू 182 लिखेंगे, सो 4 × 10 = 40, तो y की वैल्यू 182 - 40 गिव्स मी व्हाट, सो x, y इक्वल टू x क्या लिया 10, 142। चलो है तो अभी भी डिफरेंस काफी, x और 10 और 142, बट एटलीस्ट परफेक्ट वैल्यू तो ली भाई। y की वैल्यू आपकी डेसिमल में आ रही है, नॉट योर फॉल्ट, लेकिन x की वैल्यू आप डेसिमल में मान रहे हो, आपका फॉल्ट, x तो परफेक्ट मानो, फिर y डेसिमल में आया ना है वो आपकी किस, एटलीस्ट x को मानना तो हमारे हाथ में कि परफेक्ट माने या डेसिमल माने, तो ये x की 10 अभी परफेक्ट मानी है, है ना। हाँ जी सेकंड सॉल्यूशन में आप x बता दो तो हम सीधे y निकाल लेते हैं शॉर्ट में, बोलो x भी क्या माना है, 20 और थर्ड में 30, अच्छा 40, तो ये जीपी में चली गई एपी की जगह, 10, 20, 40, चलो आओ एनीवेज, तो वाई आ जाएगा मेरा 20, 20 × 4 = 80, 182 में से 80 गए तो, 102, ठीक है ना। सो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स 20 मानने से वाई आपका 102 आया है, ठीक है। इधर आओ इसको करो एक्स कॉमा वाई सीधे सीधे बताओ, तो 40, 40 × 4 160 माइनस कर दिए तो 22 बचे, तो फिर भी चलो सेकेंड वाले में थोड़े ठीक ठाक वैल्यूज हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट वाला। अब ग्राफिकल पार्ट देखो उसका, एक क्वेश्चन तो आप देखो ग्राफ का एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन में दिया है तो एग्जाम में भी ऑप्शन में आएगा,
एग्जाम में कंपलसरी भी आ सकता है, सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इसको तो करना ही नहीं है, ऐसे नहीं मान के चलना, इसको तो करना ही नहीं, करना पड़ सकता है भैया, तो छोटी मोटी बातें, प्रेजेंटेशन स्किल सब ध्यान दो आप, ठीक है। आ जाओ, एक्स क्या है, 10, 20, 40, सो आया क्या भाई, 142, 102 एंड 22। चलो ग्राफ पे चले अपन, ये आ गए हम हमारे ग्राफिकल पोर्शन। क्या कबूतर कह तो आप रहे हो, सक्षम तो कहता कहाँ है कुछ, कोल्ड ड्रिंक पिला दे, नहीं मेरे को कहाँ पिलाए, मैं पीता ही नहीं कोल्ड ड्रिंक, मेरे मोबाइल को, उसने मोबाइल को जरूर पिलाई, उसका बदला मैं जरूर लूंगा, क्यों मैं बदला नहीं ले सकता, मैं बदला ले सकता हूँ कैसे पता है, ना ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, एक पेपर एक्स्ट्रा लूंगा मैं बाकियों से, ये है मेरा बदला। अब किसी बच्चे के लिए तो ये वरदान है, लेकिन कोई बच्चा इसको क्या फिर मर गए तो उसके लिए बदला ही है, अब वो ये डिसाइड करे कि वरदान है कि अभिशाप है, बता भी सक्षम, एक बार में नहीं सुनता क्या वो, या कोई सीरियल चल रहा है डेली शो पे जिसमें सक्षम बोलेंगे तो 3 बार गूंजती आवाज, सक्षम सक्षम सक्षम, हाँ हिंदी सीरियल्स में होता है ऐसा, तो पिताजी 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 पिताजी, नहीं चलने का इच्छुक है क्या ये, चलो छोड़ो, खराब हो गया, आजकल की क्लास में जो 10th के बच्चे हैं इस एज में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, प्रॉब्लम कह दो यार, ये है कि एज ए टीम काम नहीं करता, जबकि ये अब मैं प्राउड फील नहीं करता, ये हमारे जमाने में तो था भाई, आज से 15 साल पहले तो एटलीस्ट क्या होता था कि जिसको कम आता है जिसको ज्यादा आता है वो एज ए टीम काम करते थे, अभी सेल्फिश हो गए लोग, अपना अपना सोचते हैं, ठीक है ना, नहीं सबके लिए ही है, सब लोग ऐसा ही है, कोई ज्यादा है कोई कम है, बस फर्क ही है, और पहले क्या होता था एज ए टीम वर्क होता था, तो टीम वर्क होता था तो जिसको कम आता है, और ये चीजें मैटर करती है इन लाइफ, आपको ये चीज मैटर करेगी, अभी आप कितना भी सेल्फिश हो जाओ आगे इन लाइफ, आज से 5 साल 6 साल जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो आपको एज ए टीम काम करना पड़ेगा, किसी कंपनी में काम कर लो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर लो, किसी स्कूल में काम कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप टीम से बाहर जाओगे तो आप, एक अभी मूवी का डायलॉग आया शायद इसमें फाइटर मूवी में कि टीम से अलग खेलना एक्चुअली टीम के खिलाफ खेलने के बराबर, तो टीम से अलग नहीं खेल, आइए तो अब ये बने बनाए मिल गए मुझे, तो इसके अंदर माफ करवाइए जल्दी से मुझसे, आइए हाँ, तो आपको सॉल्यूशन बताओ, पहले के क्या थे, 2,81 कैसे, क्योंकि आपने 10-10 का गैप लिया है, तो 10-10 का गैप लिया है, तो लेट से ये 10, 20, 30, 40 है, ये 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, ये क्या है 10, 20, 30, 40, तो 2 कहाँ होगा, 0.2 पे होगा, और 0.2 कहाँ होगा, बिल्कुल 0 के नजदीक होगा, और उसमें y एक्सिस क्या है, 2 कॉमा कितना है 81, तो 0 से जस्ट 2 हल्का सा आगे निकल के 81 यानी 8.1 लगभग यहाँ पे अंदाजे से, ठीक है देख पा रहे हो, चलो अगला पॉइंट बताओ, दिख रहा होगा यार क्या, 4,17, अब 4 बिल्कुल 0.4 के बगल और 79, तो 79, 4,79 लगभग, देखो कितने नजदीकी पॉइंट हो गई है, नजदीकी मामला हो गया, तुम ठीक है, अभी देखते हैं जूम का तो होता है कि नहीं होता, फिर जूम करेंगे तो पॉइंट्स इधर उधर हो जाएंगे शायद, हाँ
हाँ क्योंकि वो अलग सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसी वर्ड का सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं ये तो केवल हाईलाइट करने का सॉफ्टवेयर है। हाँ बताओ नेक्स्ट 6.77 वो क्यों बताएं, आपका ध्यान कहाँ है, आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है क्वेश्चन। हाँ तो मैं अभी जब दिखा रहा था तो मैंने कहा था ना फटाफट से देखो, ठीक है 6.77 जो ध्यान देता है उसको याद हो जाता है, हम ध्यान नहीं दे रहे इसका। 6.77 तो 6 यानी कि 0.6 में आप यहां मत पहुंच जाना, 6 6 ये वाला 6 मार्क कर दो, ये वाला 6.76 का मतलब है हमें 0.6 है क्योंकि 10 20 30 40 का गैप चल रहा है, तो 0.6.77 0.6.7.7 है ये 0.6.7.7 तो 0.6.7.7 लगभग इसी की लाइन में आएगा, बट क्या है। अब आप बिल्कुल नजदीक के पॉइंट्स डालोगे ना तो आपसे गलती हो सकती है, बिल्कुल लाजमी है, तो आप फिर से मैं कह रहा हूं कि नजदीकी पॉइंट्स ना डालें, ठीक है। तो इन तीनों को कनेक्ट कर दूं मैं, कर दूं क्या, तो लेट इट कनेक्ट और ये अरे ये क्या हो गया, बहुत लंबी चौड़ी हो गई क्या अब, अभी ठीक है, और थोड़ी पतली, और थोड़ी पतली, ये स्ट्रेट नहीं बन रही, एक एक मिनट एक मिनट, ये स्ट्रेट होगी। तो फिर स्ट्रेट लाइन है ही नहीं इसमें शायद, ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो फिर मतलब ही क्या हुआ, ये तो फिर उसमें पॉइंट्स मार्क कराओ फिर से, ये लो आ जाओ, हाँ पतला यूज कर रहा हूँ, बता पहला वाला पॉइंट क्या था जल्दी बोल, 0.2.81 0.2.81 0.2.81, या तो उसको पॉइंट में, दोनों को पॉइंट में बोल, 0.2.81 विल बी समवॉट लाइक हियर, नेक्स्ट बोलो 0.4.79 समवॉट लाइक हियर, नेक्स्ट बोलो 77 समवॉट लाइक हियर, तो स्ट्रेट लाइन ये लो, अभी लाइन खींच देता हूं मैं, आप दिखे नहीं दिखे कोई बात नहीं, ये स्ट्रेट लाइन हो गई कुछ ऐसे हो गई, ओके अब देखो स्ट्रेट लाइन बन जाए उसके बाद फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, आपको हेल्प होगी एग्जाम में काफी इससे, आपको शायद जब करवाया था तभी भी किया था, चलो नेक्स्ट पहले एक बार नेक्स्ट बता दो फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें। हाँ जी नेक्स्ट बताओ 10.142 का मतलब क्या हुआ, 0.1 0.10 तो 1 पे ही आएगा, सॉरी 10 तो 1 पे ही आएगा और 42 यानी 4.2 पे आएगा, तो 4.2 10 के जस्ट ऊपर यहाँ पे आ गया, 4.142 है या 4.2 है, 142 तो है ही नहीं मेरे पास, वो तो रेंज से बाहर है। चलो अगला बताओ, ये पॉइंट हमारे पास है नहीं, 70.102 हमारे रेंज में, 20.102 भी हमारे रेंज में है क्योंकि वाई एक्सिस में 10.2 ले सकता हूँ, 20 के सीध में यहाँ पे लगभग, ठीक है। तीसरा बताओ 40.122, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गलत बता रहे हो, जब वो कम होता जा रहा है तो ये बढ़ेगा कैसे, 10 के साथ क्या था फिर 20 से कम हुआ तो 40 से और कम होगा ना, 40.22 आएगा, 122 कैसे आएगा, अब उसने क्या लिखा ये चेक करो, तो उसको सही करो, मार्क करो गलत है वो, 40.22 आएगा भाई, तो 40.22 को मार्क करो जरा, 40.22 यानी कि 40 और फिर 22, 22 यानी कि 2.2 लगभग, क्या चलो इन दोनों को कनेक्ट करें, येलो ओके, थोड़ी सी ये ऊपर भी ले जाओ जितनी जा सकती है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, देखो जूम कर दिया मैंने, अब देखिए अब मुझे बताओ मैं क्या आपको क्या बताना चाह रहा था, आपको सुनिए, नहीं वो तो एक अलग बात है, मैं कुछ और बताना चाह रहा था कि ये जो ये हमारा जो लाइंस बनी है करेक्ट है या नहीं, इसको चेक करने का एक और तरीका है जो आप डिटेल में 11th में सीखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, सुन लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
हाँ जी मुझे इक्वेशन बता दीजिए पहली वाली क्या थी, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वाई अब सुनो एक्स प्लस वाई 83 है ना, तो आप एक काम करें जो कांस्टेंट टर्म है उसको इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कराएं, तो 83 डिवाइडेड बाय 1 83 83 डिवाइडेड बाय 1 83 ठीक है, इसमें भी ये काम कराएं कांस्टेंट टर्म को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कराएं, तो 182 डिवाइड बाय 4 अंदाजे से बताओ, 4 4 जा 16 22 4 5 जा 20 फिर 4 5 जा 20 और 1 से डिवाइड कराएंगे तो वही 180। अब इसका मतलब पता है क्या है, जो पहली वाली लाइन है वो x एक्सिस को 83 और y एक्सिस को भी 83 पे छुएगी, चेक करो छू रही है क्या, नहीं छू रही है, देखो गलत है, पहली वाली लाइन यही थी, x एक्सिस को तो देखो 83 पे छू रही है लगभग, लेकिन y एक्सिस को तो ये 9 के पार जा रही है, यानी ये लाइन गलत है, ये थोड़ी सी इधर आए, ये चेक करने का तरीका है, इधर आओ, ये दूसरी वाली लाइन x एक्सिस को कहां छुएगी 45.5, ये 45.5 के लगभग करीब है, अब वो एग्जैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट चीज करी नहीं है अभी तक है ना, ठीक है, और वो 182 तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन अगर आप उसको 18 तक ले जाओ तो 182 18.2 पे वो वाई एक्सिस को छू लेगी, नहीं 100% छूएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं छू, ठीक है नहीं छूएगी, एक ही केस में नहीं छूएगी कि हमने पॉइंट्स गलत, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्या हाँ पॉइंट गलत लिए या लाइन टेढ़ी-मेढ़ी है, दो ही चीजें कुल मिला के हमारा हाथ हिल गया है, करते करते टाइम अभी वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, अभी तो हमने रफली किया है काफी, देखो ये वाली लाइन तो थोड़ी सी टेढ़ी इधर कर दो, तो ये तो देखो 0.5 पे आ रही है, वो इस पे आ ही रही है तो 45.5 पे, अब वो वाली लाइन के तो पॉइंट शुरू से कहाँ पे इसको टच करवाना है 8.3 पे, तो देखो ये भी एक तरीका है कि हम क्या करें, हमको ये ट्रिक पता चल गई ना, तो हम तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट से ही करते हैं काम, एक बार तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, ये जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस को कहां छू रही है ओरिजिन से कितनी दूरी पे, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां छू रही है, तो हम पहले ही x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से लाइनें खींच दें, पॉइंट्स कुछ भी मार्क कर लो, ठीक है, या चलो पॉइंट्स पहले निकाल लिए ना, पॉइंट्स पहले आपने निकाल लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन में, अपन देखो पहले तो अपन क्या करें पॉइंट्स क्योंकि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमारे के ग्रुप में तो है, तो हम ऐसे ऑफिशियली तो यूज कर, हम क्या करें पॉइंट्स करो वेट करो एंगल भी आपके पास, अब ग्राफिकल सॉल्यूशन आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से करो, पॉइंट्स को भूल जाओ जो भी निकालना है, आप ये चार पहली वाली लाइन x एक्सिस को 8.3 पे रखना, यानी x एक्सिस पे जाए 8.3 वहां पर मार्क कर दो, y एक्सिस पे जाओ 8.3 मार्क कर दो, हम तो बोल दो उन दोनों पॉइंट के बीच में ही वो सॉल्यूशन भी एंगल को आपने निकाला 100% है, और सबसे अच्छा तरीका है बीच में वो पॉइंट्स आप जहां का भी आ रहे हैं मतलब ना वो लाइन के ऊपर ही है, अब जैसे कि ये लाइन को मैंने सही कर दिया, इस लाइन को मैं सही कर दूं, तो इस लाइन के एक्स इंटरसेप्ट क्या है 8.3, तो इस लाइन को थोड़ा सा इसका भी 8.3 कर लेता हूं और उसके बीच में वो सॉल्यूशन क्या रहेगा जो मैंने निकाला है, और ऐसा नहीं हो नहीं है, ओके दिस इज मोर एडवांस्ड टेक्निक ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आ जाओ इसको मैं थोड़ा सा किसका देता हूं 8.3 पे अंदाजे से यहां, तो देखो अब वो जो दो तीन पॉइंट्स है ना मेरे को देखो ये तीन पॉइंट दिसक है, यानी मैंने गलत मार्क किए क्योंकि वो आएंगे तो उस लाइन आएंगे तो वो उसी लाइन पे आएंगे, ठीक है समझ गए, तो अब अंदाजे से आप मुझे बताइए इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों लाइंस का, ये आ रहा है अंदाजे से यहाँ पे कहाँ पे 33 बिल्कुल आ रहा है, चेक करो 33 जो आप कह रहे हो उसके आसपास का ही रहा है, देखो 3 से 10 थोड़ा सा दो तीन पॉइंट आ गए 3.3 और 51 है 50 का एग्जैक्ट 50 आ रहा है, तो फिर और 50 आ रहा है, एग्जैक्ट 50 आ रहा है, सबसे बिल्कुल सही है, मतलब थोड़े बहुत 8.3 था ये आपके क्या था 45.5 80 और यहां पे क्या था 3, ठीक है एनीवेज अब थोड़ा सा इधर का थोड़ा सा एग्जैक्ट करते तो हाई, मैं बस ने लिखा 8.2 एग्जैक्टली मैं डाल
सॉल्यूशन है उसके आसपास तो हम पहुंच ही गए, ये हो जाएगा क्या बताया बेटा बोलना 3.3 33.50 एग्जैक्ट 50। सो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, दो लाइंस एक एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उसको क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफिकल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे वाई एक्सिस के ये पॉइंट्स हैं, और स्केल जो भी आपने यूज किया है, स्केल आपने 1 सेंटीमीटर बराबर बोलो क्या यूज किया है, स्केल इक्वल टू ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी इफ यू आर यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स एंड सेम टू सेम ऑन वाई एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर इक्वली होते हैं, यहाँ पे तो अलग अलग ले ही नहीं सकते आपको, एक्स एक्सिस पे अगर आपने 10 यूनिट लिया तो वाई एक्सिस पे भी 10 यूनिट लिया। फिर अपन क्लोजिंग स्टेटमेंट इसका लिख देते हैं, ये सब डिलीट कर दूं मैं, समझ में आया बेटा ग्राफिकल तरीका। ओके तो एक बार डिस्कस करना जरूरी था बिफोर योर एग्जाम्स। So, using graphical method, we have, याद रहे final answer नहीं है, तो ऐसा आपको क्या चाहिए था एंगल्स निकालो, अभी एक्स के और वाई के वैल्यू फाइनल आंसर हर बार नहीं होते, मैंने कहा 99% केस में होते, तो ये 1% में से वो क्वेश्चन। वी हैव हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन क्या आया ग्राफिकल मेथड से, एक्स कोमा वाई बराबर बोलो 33.50 ओके। सो हमारा काम था एंगल्स निकालना, सो एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर, तो जो पहली पहली लाइन होती है ना वही आखिरी आखिरी लाइन में होती है, इतनी इतने क्वेश्चंस में अपन ने देख लिया, पहली पहली लाइन क्या थी, सबसे पहली पहली लाइन क्या थी, डिलीट हो गई अभी, कि एंगल्स एंगल ए ये है, एंगल बी ये है, एंगल सी ये है, एंगल ये, तो आखिरी लाइन भी वही होगी, एंगल ए बराबर क्या लिखा था हमने, एंगल ए बराबर 2x-1 डिग्री, 2x-1 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या है 33, तो 2 × 33 − 1 डिग्री करना सॉल्व, 233 क्या होता है 66 − 165 डिग्री, पहला एंगल आ गया। एंगल बी क्या है हमारे पास y+5 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या लगाई हमने 50, सो इट्स 50 + 5 गिव्स मी 55 डिग्री। एंगल सी बोलना जरा 2y + 15 डिग्री, सो y की वैल्यू हमने लगाई 2 × 50 + 15 डिग्री, तो 100 + 15 गेट गिव्स मी 115 डिग्री। And angle D, angle B, and angle C, and angle D. क्या है angle D? 4x − 7 degrees. So it gives me 4 × what is x? 33 − 7 degrees. 4 × 33, 48, 12, 48, 12, 132. 132 में से 7 जाएगा तो 125 degrees. इन सब का सम 360 आ जाता है. तो आपने सब सही किया है. Otherwise नहीं किया है क्योंकि angle sum 360 आना ही चाहिए. तो roughly करना 65 और 55 120 होते हैं, और 125 और 115 130 हो गए 240, 240 और वो 120 360 हो गए ना, ठीक है ठीक है। चेक किया आपने देखो, ये इक्वल टू करीब करीब बराबर, ये इक्वल टू करीब करीब बराबर, ये इक्वल टू करीब करीब, सो फोकस ऑन दैट थिंग आल्सो, ठीक है कर दो डिलीट, ठीक है। हाँ अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर्स मैच हो गए क्या, जिनके हो गए, जिनके आंसर्स मैच हो गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो इस क्वेश्चन में डेढ़ नंबर दे दो आउट ऑफ 3, ठीक है, और जिसके मैच नहीं हुए वो एक नंबर दे दो, और जिसने पूरे ग्राफिकल मेथड से क्या आंसर मैच हो गए 3, ठीक है, तो एक कोई एक गलत तो होगा, टेबल एक में ही है सब में 35 आई की, तो ये दोनों वैल्यू सब में पुट अप करी होगी ना फिर, तो सारे गलत होंगे फिर, तो ठीक है, तो यानी गलत किया इसने, तो उसको मतलब सॉल्यूशन पार्ट गलत है इसका ना, इंटरसेक्शन सही नहीं किया, पता क्यों नहीं हुआ इंटरसेक्शन, डेसिमल के पॉइंट 2 पॉइंट 3, अगर परफेक्ट नंबर्स लेते तो इंटरसेक्शन सही जगह पे हो जाता,
ठीक है, तो आप दो नंबर दे दो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्वेंटी नाइन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ये आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद एरो एंड पॉइंट, ये पूछा था आपने चर्चित क्या? हाँ पूछा था ना, कुल मिलाकर में अराउंड डिस्कस हुआ था ना, ठीक है। कैसे करेंगे? फिगर बनाना जरूरी है, इसमें कंपलसरी है। क्या कह रहा है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, तो एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट बनाने हैं। पहली चीज, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया पी, इससे दो टेंजेंट बना दिया मैंने, पी ए एंड पी ए रफली बनाना, नाप शॉप करना है, ठीक है। सर्कल परफेक्ट, सर्कल तो परफेक्ट ही बना कंपास से, बाकी ये जो नाप शॉप करने की जरूरत है। सेंटर इसका ये लगभग यहाँ होगा। अब ड्रॉन टू ए सर्कल इन सेंटर हो एट वन पॉइंट ई ऑन द सर्कल, टेंजेंट इज ड्रॉन बिच इंटरसेक्ट पी एन टी बी एट सी एन डी। अब तीसरा एक इंटरसेक्ट एक पॉइंट टू पॉइंट सी, जहां पे एक और टेंजेंट बना दिया हमने कुछ इस प्रकार से, ताकि जब मैं इस पे टेंजेंट बना रहा हूं तो ये टेंजेंट जो है पी ए को तो सी पे छू रहा है, पी ए को सी पे छू रहा है और पी बी को डी पे छू रहा है, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट सी नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ई है, ई। अच्छा ये सी नहीं है, ई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई है और इसका इंटरसेक्शन सी और डी पे। डन, समझ आया? तो कितने टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ, बस छह बहुत कितने, सात है, ठीक सी से दो हो गए एक दो, डी से दो हो गए एक दो और पी से दो है, पी एक दो, छह ही तो है, सातवां कौन सा? जब एक्सटर्नल पॉइंट तीन है तो हर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज टू। अब एक्सटर्नल पॉइंट तीन है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स छह हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को क्या पता करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी। ये पीसीडी ट्राइंगल को हाईलाइट कर देता हूं, उसका चाहिए पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का आपको चाहिए क्या? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो एक्सटर्नल पॉइंट पी से सी से डी से दो दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो पहला काम तो यही करना है, एक बार लिख के बता देता हूँ, बाकी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। पहला काम तो आपको यही करना है, एक एक पॉइंट पकड़ो, एक्सटर्नल पी पकड़ ले पहले, बोलो पहले एक्सटर्नल पॉइंट पी पकड़ ले। सो हेयर टेंजेंट्स पी से कौन कौन सी बन रही है बताना जरा, पी ए एंड पी बी, नॉट बी बी, पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पी टू द सर्कल, टू द सर्कल। सो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। सो पी ए बराबर पी बी बराबर, और पी ए और पी बी में से किसी एक की लेंथ भी गिवन है, कितनी, 10 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 10 सेंटीमीटर, तो पी ए पी भी दोनों बराबर हो जाएंगे, और दोनों किससे बराबर हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर। डन, ओके। इसको लेट से इक्वेशन नंबर वन मार्क, और ऐसे करके तीन इक्वेशन बना दे हम, देखिए सी से कौन कौन से टेंजेंट है, सी ए और सी, तो है सी एंड सी आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट सी टू द सर्किल। सो नहीं कर सकते, तीन नंबर का क्वेश्चन है, लुक एट द वेटेज, ठीक है, ठीक है ना। सिमिलैरिटी हम तभी यूज करते हैं जब कम से कम आधा पन्ना हमारा भरा हुआ है, वो का वही कॉपी पेस्ट करना है, एक लाइन को दोबारा कॉपी पेस्ट के लिए सिमिलरली नहीं करते, ठीक है, आपको दोबारा लिखनी है, क्लियर है, ठीक है ना। सी ए इक्वल टू सी ई, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। आ जाओ तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, डी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हेयर डी बी एंड डी ई आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट डी टू द सर्कल। सो डी बी इक्वल टू डी ई, तो दिस इज नंबर थ्री। तीन इक्वेशंस बना देंगे हम, तीन टेंजेंट्स के, तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। अब अपन पेरीमीटर निकालना शुरू करते हैं, निकालना शुरू करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका निकालना है, पीसीडी, पीसीडी का निकालना है, तो तीनों साइड्स को जोड़ूंगा मैं, बोलो पहली साइड क्या है पीसीडी की, पीसी, दूसरी साइड क्या है सीडी, तीसरी साइड क्या है बीडी, एक तो तीन साइड नहीं, पीडी, पीडी नॉट बीडी, पीडी,
ये तो तीन साइड्स हैं, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। ओके पीसी को तो पीसी रहने दो, सी डी को ब्रेक करो, तो सी डी को मैं सी ई प्लस डी ई लिख सकता हूं, उसको ब्रेक कर दिया मैंने, सी ई प्लस डी ई, सी ई प्लस डी ई, ब्रैकेट लगा दो ताकि ये शो हो कि ब्रैकेट लगाने से क्या रिप्रेजेंट होता है कि ये हमने सी डी को ब्रेक किया है ना, नहीं लगाओगे तो गलत तो नहीं माना जाएगा बट अच्छा लगेगा। प्लस पी डी ये निकालना है आपको, आ जाओ नेक्स्ट। सो पी सी प्लस सी ई को एक साथ ले लो, हम नहीं पी सी प्लस सी को एक साथ ले नहीं सकते, सी ई की वैल्यू ए सी लिख लो, कहां से ये रही है, सी ई की वैल्यू ए सी या सी ए लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पीसी को तो पीसी रहने दूंगा, पीसी को तो पीसी रहने दूंगा, सीई को मैं सी ए लिख दूंगा चलेगा, और डीई को मैं डी बी लिख दूंगा वो भी चलेगा, और पीडी को पीडी रहने दूंगा। तो बेसिकली इन दोनों को चेंजेस किया आपने, बीच के दो को मिडिल टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को आपने चेंज किया, सीई को सीए लिखा, डी को डीबी लिखा, ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया, अरे भाई फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री चेक करो, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री हम ये काम करने के अधिकृत हैं, हमने कर दिया ये काम, ठीक है। आ जाओ अब तो ऐड कर सकते हो पीसी प्लस सीए को डीबी प्लस पीडी को, पीसी प्लस सीए, पीसी प्लस सीए, पीए क्या बना, पीए, अच्छा जी डीबी या पी डी था वो ना, पीडी प्लस प्लस पीडी क्या बना, ये पीबी, पीबी बन गया। ओके अच्छा पीए को तो पीए ही रहने देते हैं, पीबी को भी पीए लिख देते हैं, पीबी को भी क्या लिख देते हैं हम पीए, क्योंकि ये दोनों तो, ये दोनों ही बराबर हैं, इक्वेशन वन क्या कहती है, पीए पीबी बराबर है। तो ये बात कहां से लिख पाए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऊपर आ जाओ, पीबी लिख दिया फिर से पीए प्लस पीए, तो पीए प्लस पीए क्या होता है मैथमेटिकली, तो ट्वाइस पीए, तो पीए की वैल्यू है क्या, सेंटीमीटर आंसर। शॉर्ट ट्रिक ये है कि टेंजेंट की लंबाई का दुगना इस क्वेश्चन में क्या होता है, पेरिमीटर होता है, तो टेंजेंट 10 था तो उसका दुगना 20, अगर एमसीक्यू में आए तो फटाफट से आपको ट्रिक अप्लाई करनी है और आगे बढ़ जाए, समझ आया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने की, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद इसका एक और ऑप्शन है, इसमें एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट एंगल डी 90 है, सर्किल सी जो है एबी बीसीसीडी डीएफ को पीक्यूआरएस पे टच करता है, बीसीसीडी बीपी गिवन है, फाइंड आर, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कांसेप्ट लग रहा है क्या आपको, बोलो। देखो एबीसीडी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमको जिसमें एंगल डी 90 डिग्री है पहली चीज, फिर एक सर्किल है, COR का मतलब पता है क्या होता है, सर्किल के आगे COR लिखने का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ही है कि सर्किल का सेंटर O है और रेडियस R है, क्योंकि सर्किल के पास जीवन भर की कमाई दो ही होती है, सेंटर और रेडियस, सेंटर रेडियस पता है सर्किल के बारे में सब पता है क्या उसके पास, मतलब आपको सेंटर रेडियस दे दूं तो आप सर्किल ड्रॉ कर दोगे ना रिक्वायर्ड, तो इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझे आप, O इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस, तो हम क्या करते हैं एक सर्किल बनाएंगे जो कि ए बी बी सी सी डी डी ए को छू रहा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, पहले सर्किल बनाते हैं बाद में क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो डू वन थिंग, पहले मैं सर्किल बना देता हूँ, उनको तो बना बनाया दिखना चाहिए, आप कैसे भी बनाओ उनको क्या पता पहले आपने सर्किल बनाना शुरू किया था या क्या, वीडियो थोड़ा बना के भेज रहे हो आप तो प्रेजेंटेड शीट भेज रहे हो ना। ओके ये सर्किल है, अब ये सर्किल जो है चार साइड्स को छूता है, अच्छा चार साइड्स को छूता है क्या, तो फिर तो पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना सही रहेगा क्या, चलो इसमें बना देते हैं, वैसे तो देखो अपनी अपनी टेक्निक्स हैं कुछ भी कर सकते हो आप, चार साइड को छूना है लेकिन एक एंगल 90 रखना है, एक एंगल क्या रखना है, तो एक काम करते हैं जो इधर लेफ्ट साइड वाला एंगल है वो 90 रख देते हैं ऐसे, चार साइड को छू गया, अब ये एंगल 90 रखना है, 90 कैसा होता है सीधा, 90 सीधा होता है क्या, तो 90 हो जाएगा, एक एंगल 90, ओके okay, एक एंगल 90 रखना है तो कोई सा भी आप एक एंगल 90 रखे, अब बाकी उसने नहीं दे रखा कि 90 एक किया तो बाकी कुछ भी रख सकता हूं मैं, तो अब वो भी वैसे लग रहा 90 है बट हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत नहीं है कि वो 90 गिवन जो है, बस वही 90 डालो आप, ठीक है। तो ये एंगल 90 है, तो नाम क्या था, एंगल डी 90, तो डी तो ये हो गया, अब डी ए किया है तो सी ए करो, सी ए करा है तो बी ए करो, और ये एबीसीडी हो गया क्या, क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट, डन। आगे पढ़ लेंगे कुछ, बीसी बराबर 38, बीसी बीसी बराबर 38, ये 38 है पूरा यहां से लेकर नेक्स्ट,
सीडी बराबर 25, ये पूरा 25 है यहां से लेकर यहां तक। और बोलो बीपी बराबर 27। अब ये तो माफ किया ही नहीं हमने कि किसको कहां कहां पे छूता है। एबी को, बीसी को, सीडी को, डी को, पी क्यू आर एस को। इस फ्लो में आओ, एबी को पी पे, बीसी को क्यू पे, सीडी को आर पे और एडी को एस पे। हाँ अब आओ, सो बीपी बराबर 27, तो बी से लेके पी कहां, ये रहा, ये 27 है यहां से लेके यहां तक। नेक्स्ट, बस तीन ही इंफॉर्मेशन है। फाइंड क्या आर, अब आपको आर पता करना है। आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब रेडियस ऑफ द सर्किल कैसे पता करेंगे, लेट्स से ये सेंटर है। अब रेडियस का मतलब है कि या तो इस सेंटर को आप आर से कनेक्ट करो, या फिर एस से कनेक्ट करो, या फिर क्यू से करो, या फिर पी से करो। इनमें से कोई भी एक वैल्यू लिया, चारों ही रेडियस है, चारों रेडियस है, कैसे पता करें बोलो। पहले तो मुझे बताओ बीपी 27 है तो बीक्यू भी 27 होगा, बोल क्यों नहीं रहे हो, जो जो माइंड में आ रहा बोलते जाऊं। ये 27 है यहां से लेके यहां तक, और ये टोटल 38 था, 38 में से 27 वो ले गया, तो ये कितना बचा, 11, और वो 11 तो ये भी 11, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और ये 11 तो ये 25 है टोटल, 25 में से 11 गए तो ये 14, और ये 14 तो वो भी 14। चलो यहां तक तो आपका काम कंप्लीट हुआ, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका कुछ नहीं कह सकता सर मैं, एपी और एएस का। बस दो एक्सटर्नल पॉइंट्स का, एक एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा, बाकी बी से कितना बन रहा है, सी से क्या बन रहा है, डी से क्या बन रहा है, तीन एक्सटर्नल पॉइंट का काम तो हो गया है। बताओ कैसे हम स्टार रेडियस कैसे, ओके वन मोर थिंग, 90 डिग्री भी तो है तो इसका भी हम यूज करेंगे, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 14, ये 14 और ये 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम, नहीं एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट, तो ये ओ आर रेडियस है और डी आर टेंजेंट है, तो ये 90, अब ये 90, ये 90, वॉट अबाउट दिस टू एंगल्स, तो जब अपन ये वाला भी 90 होगा, यस ये भी तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, वो भी टेंजेंट 90 डिग्री बन गया, तो अब ये क्या बन रहा है, स्क्वायर है भाई, रेक्टेंगल बनेगा, चार एंगल्स 90 है, चार एंगल्स 90 तो रेक्टेंगल बनेगा, पर ये दोनों एडजेसेंट साइड्स बराबर है, एक रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर है वो स्क्वायर होता है, तो कुल मिला के ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो ये 14 14, तो ये भी 14, ये भी 14, आंसर 14 सेंटीमीटर, समझ आया। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पहले तो वो ही सारे काम लिखने पड़ेंगे, सबसे पहले वो क्या गिवन है, देखो जो गिवन पॉइंट्स वो लिख देंगे, बीसी कितना है 38, आगे बोलो बीपी कितना है, जो बुक में गिवन है, कितना गिवन है 27, और सीडी कितना गिवन है 25। अब जैसे जैसे हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली, वैसे वैसे जैसे सबसे पहले हमने ये 27 था तो ये 27 निकाला, ये 27 है, ये 27 निकाला ना सबसे पहले, तो हम पहली लाइन क्या लिखेंगे, हेयर बीपी एंड बीक्यू आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी, सो बीक्यू बराबर बीपी होगा, और बीपी तो पहले ही गिवन है, 27 सेंटीमीटर होगा, डन। एक बार ये 27 निकला तो नीचे वाला निकाला आपने, वो कैसे निकाला, बीसी में से बीक्यू माइनस कर, सो नाउ हमको निकालना है बी क्या क्यूसी, हमको क्या निकालना है सीक्यू, तो सीक्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बीसी में से जो ऊपर हमने बीक्यू निकाला है उसको माइनस करेंगे, टोटल बीसी बुक में गिवन है 38 और बीक्यू हमने निकाल दिया 27, तो ये क्या हो जाएगा 11। अब अगर ये 11 है तो ये 11 अगेन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से, अगेन CQ and CR are the two tangents from the same external point C, so CR हो जाएगा, जो चाहिए वो LHS में जो given है वो R, तो CR चाहिए और CQ अभी अभी हमने निकाल लिया, कितना निकला 11, ये 11 आ गया, 11 से ये 14 कैसे निकाला, वही टोटल माइनस करके, तो ये DR कैसे निकाला हमने, now DR equal to total CD में से क्या माइनस करूंगा मैं, टोटल CD में से क्या माइनस करूंगा CR, तो सी डी टोटल गिवन है बुक में 25 और सी आर जो है हमने अभी अभी निकाला है 11, सो इट गिव्स मी 14 सेंटीमीटर। अब इस 14 से ये 14 कैसे निकाला, अगेन टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या डी आर एंड डी एस आर द टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट डी, सो हमको क्या चाहिए था डी एस, और वो किसके बराबर आएगा, डी आर के बराबर आएगा, तो ये भी आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर, डन।
ओके यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है? कुछ गलती लग रही है क्या? गलती नहीं। हाँ अब देखो हमको जो एक एंगल गिवन है 90 डिग्री वाला, वो ये है, ये एक एंगल 90 डिग्री वाला गिवन है ये, तो यही स्क्वायर बनेगा, बाकी ये वाला क्वाड्रिलेटरल और ये वाला क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बनने की गारंटी नहीं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री चाहिए, मतलब टेंजेंट्स वाला तो 90 90 होता ही है, टेंजेंट्स जहां पे भिड़ रहे हैं वो एंगल 90 होता है। यहाँ पे सी पे है तो कितना एंगल, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है नहीं पता, एंगल नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ क्या है? नाउ इन क्वाड्रिलेटरल टेल मी द क्वाड्रिलेटरल नेम, एबीसीडी, ये वाला जो बना है क्या लिखेंगे? DROS, ड्रॉस, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉस। हमको क्या क्या पता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो लिख देता हूँ। एक तो एंगल डी 90 डिग्री हमको गिवन है, सामने डालो गिवन है, ठीक है। उसके अलावा दो एंगल 90 डिग्री कौन कौन से होंगे, या तीन लेटर में लिखो, एंगल डी को तीन लेटर में क्या लिखेंगे बोलो, एंगल डी को तीन लेटर में बोलो, एंगल आर डी, देख लो एंगल आर डी एस, एंगल आर डी एस इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और बाकी दो एंगल 90 कौन से पता है, एक तो आर वाला और एक एस वाला, इसको क्या लिखूं, ओ आर डी, इसको क्या लिखूं, ओ एस डी, ओ आर डी ओ एस डी, एंगल ओ आर डी बराबर ओ ओ एस डी बराबर, तो इसका रीजन बताओ बोलो, टेंजेंट्स फ्रॉम नहीं, एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड रेडियाई, दो रेडियाई लिए ना आपने, तो रेडियाई एंड दो ही टेंजेंट्स, रेडियस टेंजेंट्स के बीच के एंगल 90 होते हैं। अब ये 90 ये 90 ये 90, तो चौथा एंगल भी 90, सो फोर्थ एंगल हुआ कौन सा, फोर्थ एंगल हुआ कौन सा, ये वाला एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, सो एंगल आर ओ एस विल बी 360 माइनस तीन एंगल 90 है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सो इन क्वाड्रिलेटरल डी आर ऑल द फोर एंगल्स आर, ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, and adjacent are also equal, adjacent sides कौन कौन सी, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ये दोनों adjacent sides equal हैं और ये दोनों भी adjacent side equal हैं, radius radius, ये tangent tangent, तो दोनों pair of adjacent side equal हैं ना बेटा, बोलो दोनों pair of adjacent, so adjacent sides के नाम बताओ, ये adjacent sides हो गए हमारे DRDS और वो OROS, DRDS, DR and DS, comma दूसरा pair OR and OS are also equal, तो ये दोनों बातें लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, सो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉस इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर, ओके। देखो हम ये लाइन ना लिखते तो भी चलता, क्योंकि रेक्टेंगल तो हो ही जाएगा 90 डिग्री करते ही, तो रेक्टेंगल की भी तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, जरूरत तो ना स्क्वायर की होती है, पर हमने एक्स्ट्रा दे दिया वो हमारी मर्जी, ठीक है। चलो अब आ जाओ, तो हमको क्या चाहिए था, ये रेडियस चाहिए था, रेडियस क्या होगा, OS या OR, ये तो रेडियस है, तो कोई भी एक चीज ले लो, जैसे OR ले लो या OS ले ले, तो इसके आमने सामने की साइड्स बराबर हो जाएंगी, 14 है तो 14, सो रेडियस ऑफ, हाँ सो रेडियस ऑफ द सर्किल, ऑफ द सर्किल COR, दैट इज CO स्मॉल r इक्वल टू रेडियस, कोई भी एक माफ कर लेता हूं मैं, OS, OS बराबर हो जाएगा किसके, सामने वाली साइड बताओ, TR, OS किसके बराबर होगा, RD के बराबर, किसके बराबर होगा, RD या TR भी लिख सकते हैं, TR, और क्यों होगा, सामने रीजन बताओ, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बन चुका है भैया ना, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर,
ठीक है, सो इक्वल टू डीआर की वैल्यू पहले निकाल चुके थे हम पिछली शीट पे, कितनी थी 14 सेंटीमीटर. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन. समझे क्या? कर दो क्या डिलीट? कर दो तो क्वेश्चन अच्छा है, नया है और इजी है. नया अच्छा इजी, तो सॉल्व करना अलग चीज है, प्रेजेंट करना अलग चीज. क्या कर दो डिलीट? इसके सॉल्यूशंस मैंने कल का वीडियो डाल दिया है, आपको जिसको भी चाहिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो विद सॉल्यूशंस. आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं थोड़ी सी. sec अल्फा इक्वल टू 5/4 है, तो वैल्यूएट करो 1 - tan alpha डिवाइडेड बाय किसमें? हाँ इसी में फिगर नहीं बनाओगे तो किसमें बनाओगे? नो क्या डायगोनल एंगल गिवन है, ठीक है ये वाला इतना है, इसमें से माइनस करके ये लिखा. उस वाले चैप्टर में जो 10th चैप्टर है आपका, कोई भी क्वेश्चन विदाउट फिगर नहीं हो सकता. समझ गए? कोई भी क्वेश्चन, इवन अगर टेंजेंट की लंबाई भी पूछी है ना, जो हम सीधे ट्रिपलेट से कर लेते हैं, अगर एमसीक्यू में आता है बात अलग है, तो एक नंबर का भी आता है तो फिगर बनेगा. ठीक है, नोट कर लो अपनी इंटरनल मेमोरी इस चीज को, उस चैप्टर में से और एक चैप्टर नंबर सिक्स में से. समझ गए? ये दो ही तो ज्योमेट्री के सेक्शन है यार, उसी में फिगर नहीं बनाएंगे तो किसमें बनाएंगे? बाकी तो सब अर्थमेटिक अर्थमेटिक बराबर है. आओ If sec alpha equal to 5/4, evaluate 1 - tan alpha divided by 1 + tan alpha. कैसे करेंगे हम इसको? ये वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज का इक्वेशन है, हम इसको अपोजिट साइड बेस और उससे भी कर सकते हैं. ट्राइंगल बना के हम sec alpha को इवेल्युएट कर दें. कैसे? sec alpha का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा. sec alpha का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी, इसको अल्फा ले लेते हैं लेट से, या ए से अल्फा ले लेते हैं, ए फोर अल्फा ले लेते हैं. ठीक है, ए फोर अल्फा. ठीक है, अल्फा भी वही वाला बनेगा जो असली होता है. हाँ जी, तो sec अल्फा का मतलब क्या होता है? तो here it is given that sec अल्फा बराबर 5/4. ओके, that is hypotenuse divided by क्या? adjacent side. hypotenuse divided by adjacent side बराबर क्या हो जाएगा? 5/4 को मैं लिख सकता हूँ 5k/4. अभी मैं कोई आइडेंटिटी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, विदाउट आइडेंटिटी सॉल्व कर रहा हूँ उसको, बेसिक तरीके से जो पहली एक्सरसाइज में हम करते थे 8.1 में, फिर देखेंगे आइडेंटिटी लगती है कि नहीं लगती. एक बार बेसिक तरीके से चले, एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर वैल्यू पता है तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू के साथ साथ उनका कोई भी कॉम्बिनेशन हम निकाल सकते हैं. तो हम sec अल्फा से 10 अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, वैसे तो आइडेंटिटी से ज्यादा सरल है ये काम करना, बट ठीक है एक बार विदाउट आइडेंटिटी कर रहे हैं. तो चलिए, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय एडजेसेंट. मुझे बताओ अल्फा ये है तो हाइपोटेन्यूस कौन होगा? हाइपोटेन्यूस तो एक ही होता है 90 डिग्री के सामने. तो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस से कोई रोक नहीं सकता. अल्फा के सामने वाला अपोजिट साइड होता है, ये अपोजिट साइड है. और अगर बेसिक तरीके से करो, सुन लो चर्चे, तो फिर इसमें भी फिगर बनेगा. आइडेंटिटी से करो तो नहीं बनेगा, बट जो पहली एक्सरसाइज के फंडे थे उससे करो अपोजिट एडजेसेंट के लॉजिक से, तो इसमें भी फिगर. ओके, मां मार्क करना पड़ेगा अल्फा ये लिया, अपोजिट ये लिया, हाइपोटेन्यूस. ठीक है, अब क्या क्या माना आपने? हाइपोटेन्यूस 5k, तो उसके आगे लिख देता हूँ 5k, और एडजेसेंट 4k, तो उसके आगे लिख देता हूँ 4k. तो भैया तू हो जाएगा 3k, ट्रिपलेट लग जाएगा सीधे सीधे. ठीक है, तो आपको तो एग्जाम में वो वाला ब्लॉक नहीं लिख रहा हूँ अभी, टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपको वो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करनी है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करना है आपको, और वहां से हमारा हाइपोटेन्यूस तो लेट मानना पड़ता है, लेट हाइपोटेन्यूस बी 5k है ना, एडजेसेंट साइड बी 4k, सो अपोजिट साइड यूजिंग पाइथागोरस हम निकाल लेंगे 3k. निकाल लोगे सीधे लिख दूं मैं ये 3k आ गया. अब जो चाहिए वो निकाल लो, तीन ही साइड से. तो हमको तो जो निकालना है उसमें tan अल्फा की जरूरत थी सर. tan अल्फा क्या होता है? सो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है भाई फॉर्मूला? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. एक चीज याद रखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के नए क्वेश्चन से कभी जिद मत कर देना, सिद्धि मत हो जाना वहां. ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है जो ना छोड़ने देती है ना करने देती है. अगर नया
क्वेश्चन आ गया उल्टा कुछ टेढ़ा मेढ़ा, अटेम्प्ट करना है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि देखते ही नया क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन अगर कहीं भी लगे ना कि यार ये तो उलझा जा रही है, ये टाइम ले जाएगी, छोड़ देना भैया, आधा पेज भी कर दिया हो तो काट देना, देखेंगे तेरे को बाद। उलझ नहीं, कोशिश मत करना, जिद्दी मत बन जाना वहां पे, अपने ईगो पे, अपने एटीट्यूड उस पर बात मत ले लेना कि ये मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हुई, मैं तो 100 क्वेश्चन करके आया हूँ, ठीक है, समझ गए ना, बहुत टाइम ले जाती, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नहीं होते तो हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती, अरे ये तो हो जाएगा हो जाएगा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो ऐसे जिद मत कर देना है ना। अपोजिट साइड क्या है, बीसी, या सीधे लिख दो ना, 3K लिखा है ना हमने यहाँ पे, अपोजिट साइड क्या लिखा है 3K, और एडजेसेंट साइड क्या लिखा है 4K, कैसे के खत्म, तो ये तो आ गया 3/4, आ गया टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब आपके सामने एक्सप्रेशन से नाउ लिख देंगे हम ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 - 10 अल्फा की वैल्यू इज 3/4, और 1 + 10 अल्फा की वैल्यू अगेन 3/4, एलसीएम लूंगा तो 4 बन गया, 4 - 3 1/4, इधर एलसीएम लूंगा तो 4 - 4 + 3 7/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर इज 1/7, मैच करो, डन। अब इधर सुनिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो करना ही पड़ेगा, ओके, ये जो मैंने ब्लॉक में पैक कर दिया, ये वाला काम वो किसी भी मेथड से करना ही पड़ेगा। बात आती है टेन अल्फा की वैल्यू हमने बेसिक मेथड से निकाली है, तो वो चाहो तो आप बेसिक से निकाल, कैसे सेक अल्फा की वैल्यू की माने तो टेन अल्फा की नहीं निकाल सकते, सेक और टेन का तो आइडेंटिटी बनती है, हमने लिखा साइन कोसाइन कोसेक सेकंट, किसी से भी कहीं भी जा सकते हैं यूजिंग रेसिप्रोकल या आइडेंटिटी से, तो या तो एक ही स्टेप में चले जाएंगे, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आइडेंटिटी से थोड़ा सा और आसान था। अगर हमको सेक अल्फा की वैल्यू 5/4 गिवन है, तो टेन अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी नो दैट आइडेंटिटी बताओ उदित, सेक और टेन वाली आइडेंटिटी बताओ, थीटा नहीं अल्फा है मेरे पास, सेक स्क्वायर अल्फा -1, टेन स्क्वायर अल्फा हमने ओरिजिनल क्या याद करा था ना, और -1 इधर लो तो टेन स्क्वायर अल्फा उधर लेना पड़ेगा, आपकी मर्जी, ओरिजिनल हमने याद किया था, याद है भूल गए, इधर देखो सब लोग, साइन कॉस टेन कोसेक सेक गॉड, आइडेंटिटी इन दोनों की बनती है, इसकी इससे बनती है माइनस करते टाइम वन आता है, इसकी इससे बनती है माइनस करते टाइम वन, लेफ्ट टू राइट जाना है, सब में स्क्वायर लगा देना, याद आ गया, ओके, सो इस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 में जो भी वैल्यू गिवन है, सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, सेक अल्फा की वैल्यू गिवन है 5/4, तो हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का 10² अल्फा इक्वल टू 1, तो 5/4 यानी 25/16, माइनस वो उधर पहुंचा दो, 1 को इधर ले आओ, तो -1 और उधर चला गया हमारा 10² अल्फा, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 16 बन गया 16, 25 - 16 कितना होता है बोलो 9, तो ये हो जाएगा 9/16 इक्वल टू 10² अल्फा, तो ऊपर लिख देता हूँ 10 अल्फा हो जाएगा मेरा, रूट कर दो 9/16 का कितना हो गया 3/4, अभी भी 3/4 आएगा, नहीं आया 3/4, 3/4 थोड़ी ना है, 3/4 ही है, ओके देखो पीछे वाली शीट पे देख लेते हैं ना, हाँ 3/4 ही आएगा, तो 10 अल्फा की वैल्यू 3/4 बेसिक मेथड से भी आ जाएगी, आइडेंटिटी से भी आ जाएगी, कैसे भी निकालो, फिर उसके बाद ये वाला काम तो करना ही है, पुट करके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें, डन। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का 31st, हाँ जी, अच्छा आप चेक में चेक करते टाइम ये जरूर देख लीजिएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए सेक्शन के, कहां से चालू था ये सेक्शन, 26 से, हाँ 26, 27, 28, 29, 30, 31 हो गए, तो इसमें अटेम्प्ट कितने करने थे, 5 करने थे या 6 करने थे, इंस्ट्रक्शंस मेरे को थोड़े से दिक्कत कर रहे हैं, पढ़ो एक बार ढंग से इंस्ट्रक्शंस, और अभी तक भी याद नहीं हुए ये, सेक्शन सी तो चल रहा है, तो कौन सा सर, तो 6 करने हैं, कौन कह रहा है 5 करने, तो आपको ये कितने करने हैं, जब हम बुक
आपके लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। चलो इस बार तो आपके लिए फायदा है कि क्वेश्चन नहीं ऑप्शन है, तो आपको दोनों में से ऐसे नहीं करना कि 6 में से 5, ठीक है। लेकिन क्या बात होता है, ये होता है कि जल्दीबाजी में नहीं दिखता है ये करके ये भी कर देते हैं, तो अब पहले ये किया है बाद में ये किया है ना, तो ये वाला नहीं एवेल्युएट होगा वो एवेल्युएट होगा, और अगर इन केस वो पहले क्या है ये बात नहीं किया है तो ये एवेल्युएट होगा वो नहीं होगा। नंबर सही है, हाँ नहीं, कई बच्चे क्या है ओवर स्मार्ट, ऐसे ओवर स्मार्ट कह दो या फिर गलती कह दो, लापरवाही कह दो, ये क्वेश्चन कर लिया लेट से आधा कर लिया, हमको लगा बस की बात नहीं है, फटाफट से नीचे पे आ गए, दो लाइनें छोड़ के ये करना स्टार्ट कर दिया, ये हो गया, उसको काटना ही भूल गए, उसको काटना ही भूल गए, तो वो ही चेक करेगा, वो तो नीचे वाला सही है तो भी चेक, वो भले आपने 3 लाइन का लिखा है, भले 3 पेज का लिखा है, वो 3 पेज का चेक नहीं होगा, 3 लाइन वाला आयरनी, ये हमारा दुर्भाग्य है, ठीक है ना। चलो अब ये 36 वाला क्वेश्चन था, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन कई बार हमने किया है, कैसे करते हैं बता दो, टेबल बनाते हैं पहले, टेबल हमको वैसे वर्टिकल बनानी है हमेशा, उसने हॉरिजॉन्टल बना के दिए तो भी हमको कैसे बनानी है वर्टिकल, अभी मैं इसी में काम कर रहा हूँ, नहीं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको क्या बनानी है वर्टिकल, वर्टिकल टेबल समझते हो ना, खड़ी टेबल। तो ये क्लास इंटरवल है, कितने कॉलम्स और बनेंगे, XI का बनेगा और FI XI का भी तो बनेगा, मीन का क्वेश्चन है, तो ये FI तो गिवन है हमारे पास, ये XI क्लास मार्क्स जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क, इसको हम कहेंगे XI, तो ये हो जाएगा हमारा FI। किसका सेल्फ स्टडी मतलब ना, अब देखो मेरी बात सुनो, सोर्सेस तो इधर उधर से आते ही हैं, अब जैसे मैंने कहीं से लिया और आपको किसी वेबसाइट पे मिला, तो इसकी क्या गारंटी है कि मैंने जहां से लिया उसने बनाया या आपने जिस वेबसाइट से लिया उसने बनाया, हो सकता है उसने से लिया, हो सकता है इसने उससे लिया, क्वेश्चन बनाने बैठेंगे क्या, का जो कीबोर्ड का पेपर होता है ये हमारे सबसे मेन चीज उस एक्सपीरियंस को फिल करने का मौका होता है ना, क्वेश्चंस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो इस पेपर में थोड़ा डिस्कस हो सकती है, पेपर तो मॉडरेट ही बनाना पड़ेगा आपको, पेपर में वो वाले डालो IIT वाले क्वेश्चन डालो, दैट इज नॉट पॉसिबल है ना, वो हम करते हैं ना क्लास में डिस्कस करते हैं ना, मना करते हैं, तो उस इस ये हमने क्यों दिया, हम इस एक्सपीरियंस करें, उस वातावरण को फील करें, टाइम मैनेज करना सीखें। अब देखो आप तो कह रहे हो इधर सुनो सैंपल पेपर है ये है वो है उठाया हुआ है, फिर भी पूरा तो नहीं अटेम्प्ट कर पाए, हाँ क्या ठीक है, मैं तो लेवल की बात कर रहा हूँ, इजी लेवल था ना आपके हिसाब से, तो आप तो मानते हो मेरे हिसाब से हल्का था पेपर, आपके हल्का अटेम्प्ट नहीं हुआ ना आपसे, तो मॉडरेट या डिफिकल्ट आएगा तो कहां से होगा, उस चीज पे ध्यान दीजिए आप। आइए 11 और 13 का क्लास मार्क बताइए, 14 13 और 15 का क्लास मार्क बताइए, और ये 12 होगा नॉट 13, ये होगा 14, 15 और 17 क्या तरीका होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 XI निकालने का तरीका है ना। आइए 15 प्लस 17 का 16, 18, 20, 22 डन। अब सुनिए वैसे तो हमारे होते हैं एंड
अज्यूम मीन मेथड, एक्स आई से डी आई निकालना, डी आई से यू आई निकालना, वो तरीके होते हैं, बट मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हम वो एक्स्ट्रा टेक्निक्स काम में नहीं लेते हैं, डायरेक्ट मेथड ही काम में लेते हैं, बनाते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बनाने से आपका आंसर नहीं आएगा, बट उन्होंने रेकमेंड नहीं किया, तो उनके रेकमेंडेशन के हिसाब से हम भी नहीं करेंगे, एफ आई एक्स आई करें। सो आ जाओ 36, 12 3 36, 14 6 84, 16 9 144, 18 into 13 करो, 18 3 234 पक्का। हाँ ठीक है, ये क्या है, f f into 20 is 20f, 20f okay, 22 5 110, 24 5 120, ठीक है, 24 फोर जाएगा, सॉरी फाइव दिन ही फोर जाएगा, तो 24 फोर जाए 96, ठीक है, मैथ्स कर लो, यही सब है, कंपोजिशन तो सबने किया होगा और सरल भी था। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में एक्स बहुत ही बढ़िया बात है, वाई आ जाए तो फिर भी थोड़ी बात है, एक्स में तो क्या ही करना है आपको, है ना। अच्छा याद रखना, एक्स और वाई आ जाएगा ना तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा। एफ आई वाले कॉलम का सम अभी दिया है क्या आपको, बताओ, नहीं दिया ना। एफ आई वाले कॉलम का सम तब देगा जब एक नहीं दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी अगर ये सम दे दे तो सम में से माइनस करके एक्स आ जाए, तो अभी वो एफ आई कॉलम का सम आपको नहीं देगा, एक्स और वाई दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तब वो दे सकता है, क्योंकि फिर दो इक्वेशंस बनानी है। तो अभी तो मीन निकालो आप, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, दिस इज द फॉर्मूला। चलो तो इनको जोड़ देते हैं एक बार, टेबल के अंदर भी टोटल लगाना ही है वो, तो हमको जोड़ो, तो न्यूमेरिक पार्ट जोड़े। चलो आओ इधर आओ, सिक्स एंड फोर, बोलो इधर बोलो, सिक्स एंड फोर टेन, टेन एंड फोर फोर्टीन प्लस फोर एटीन के साथ, ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट नहीं, ये जोड़ेंगे एटीन प्लस एटीन आया था ना, एटीन प्लस जीरो एटीन, एटीन और सिक्स एटीन और सिक्स ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर खासे के लगे दो, दो तीन पांच सत्रह और तीस और एक इक्कीस, इक्कीस और नौ तीस, तीस का जीरो हासिल के तीन, तो तीन और एक चार और दो सात, सात हंड्रेड प्लेस में हमारे पास, और उसके साथ ये डी एफ नहीं किया तो क्या आया, सात सौ चार प्लस ट्वेंटी एफ, ये अज्यूम मीन से करना ही नहीं तो क्यों करें, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस उसने कर कौन है, चलो चेक करो फिर आपको बिठाया चेक करने, हाँ जी 704 कर सकते हैं बट नॉट रेकमेंडेड, समझ गया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कमेंट्स कर सकता है, डर डॉक्टर बोलता है ना कि मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा आपकी मर्जी, तो ऐसे ही मान लो मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा आपकी मर्जी, अल्टीमेटली आपके डिसीजंस विल पे फॉर यू इन फ्यूचर, आज जो आप डिसीजंस लोगे वो फ्यूचर में आपका भविष्य तय करेंगे, वो अपने अपने होते हैं, मेरे डिसीजन आप नहीं अप्लाई कर सकते, मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। समिशन एफ आई कर दें, समिशन एफ आई, तो टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी, ट्वेंटी टू, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये करना है, थ्री प्लस सिक्स नाइन, नाइन नाइन एटीन, थर्टीन और नाइन नाइन एटीन, एटीन एंड थर्टीन थर्टी वन, थर्टी वन के बाद ये आ जाओ थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी, फोर्टी प्लस एफ आया क्या, ये टेबल में भी मार्क करना इन दोनों का समान, फोर्टी प्लस एफ, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, फोर्टी प्लस एफ, ठीक है, ये आ गया मीन, और ये मीन जो है वो गिवन है, क्या गिवन है, ये मीन अठारह, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अठारह गिवन है, मैं सामने लिखूंगा 18 और उसके सामने माफ कर दूंगा, यह है गिवन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व कर सकते हैं, बोलो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके नीचे वन इंप्लाइज 704 प्लस बीस एफ को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 704 प्लस बीस एफ, और 40 प्लस एफ को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौकू 72, 72, 720 प्लस 18 इंटू एफ इज 18 एफ, इधर भेजो 704 उधर भेजो, ये करना है, तो 20F यहाँ ऑलरेडी है माइनस 18F, और वहां पे 720 ऑलरेडी है माइनस 704, तो 22F
और 720 माइनस 704 गिव्स में और f इज इक्वल्स टू व्हाट 16 ऑन 2 दैट गिव्स मी 8 प्रिसिंग में से कौन से है इसकी और एक और चीज सुन लो बेटा वन हैज टू बी ए होल नंबर होल नंबर 0 से लेके 0 1 2 3 4 वो डेसिमल में नहीं आ सकती 8.5 8.6 अगर आ जाती है तो समझ लेना हमने गलती कर दी ठीक है क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कितनी बार रिपीट हुई वो एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ रिपीटिशन तो मैं ऐसे कैसे कहूंगा कि 20 मार्क्स तो 8.5 बच्चों के हैं कह सकते हैं क्या हम 20 मार्क्स तो 9 बच्चों के हैं या तो 8 के आए होंगे या 9 के आए तो वो है एक होल नंबर होना चाहिए 0 हो सकता है नेगेटिव नहीं हो सकता डेसिमल नहीं हो सकता और पॉजिटिव तो हो ही सकता है ठीक है चलिए तो अभी के लिए इतना ही करेंगे हम सेक्शन सी पूरा हो गया ना पूरा हो गया ना कुछ बचा तो ना अब सेक्शन डी फिर नेक्स्ट सेशन में आज शाम को क्लास होगी हाँ क्या कंप्लीट नहीं करना क्या ठीक है आज शाम को क्लास होगी देखते हैं कितना कंप्लीट होता है अगला कि अगले बताएंगे पहले एक तो कंप्लीट होने दो इसकी इसकी शीट्स तो चेक होने दो इसका रिजल्ट तो पता करने दो अरे लेने में तो सब कुछ ले लेंगे लेकिन टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा ना बेटा ओके एक बार ये कंप्लीट होने दो फिर डिसीजन लेते और अगर सुनो अगर नहीं भी ले पाए सुनो मेरी बात अगर नहीं भी ले पाए तो कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो कि सर हमको तो देना ही है तो वो अलग से आके दे सकते हैं ठीक है उसमें क्या होगा कि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर तो फॉलो नहीं होगा पर कुछ कुछ मैं फॉलो करवा दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए कोशिश मैं करूंगा कि सबका ही हो जाए जैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो जो भी पॉसिबल होगा आपके लिए बेस्ट पॉसिबल थिंग्स हम देंगे डोंट वरी पोस्ट दे नहीं पाएगा क्योंकि ये आंसर शीट चेक करने में एक आंसर शीट को चेक करने में आधा घंटा लगता है तो ये सारी आंसर शीट चेक करने में हफ्ता भर लग जाएगा अब मेरे को देखना है ना बेटा आपने देखा है रिजल्ट बने उसके बाद फिर नया पेपर तैयार हो प्रिंट हो इसलिए कह रहा हूँ ना फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरी कोशिश ओके हाँ लेट है तो फिर करवा देंगे लेट है तो करवा देंगे हाँ तो बिटवीन द हॉलीडेज भी करवा सकते हैं तो आपके गैप आते हैं ना बिटवीन द हॉलीडेज हाँ ऐसे कर लेंगे चलो मैथ्स के पेपर के एक दिन पहले करवा दो दिन पहले करवा हाँ तो उसके दो दिन पहले करो वो तो सही है ना ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस नाइस डे कीप लर्निंग एंड शाम को मिलते हैं फिर सब लोग शाम को